बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी एक ही टीवी से हाज़िर हूँ आप लोग के साथ। सबसे पहले तमाम देखने वाले बहन भाई पूरी दुनिया में किसी भी खत्ते में आप लोग बसते हैं, उन तमाम बहन भाइयों को एक ही टीवी की जानिब से और अली जंजानी की तरफ से ढेरों ईद की खुशियाँ मुबारक हो। ये कुर्बानी की ईद, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए खैर बरकत लेके आए। आप जहाँ जहाँ भी बसते हैं इस ईद की खुशियों को एक अच्छे अंदाज में मनाएं, और जब ईद के दिन आप दुआ करें अपने लिए तो आपके हाथ अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी उठने चाहिए। दिल से पाकिस्तान के लिए भी दुआएं होनी चाहिए, क्योंकि 14 अगस्त भी इसी वीक में है। और मैं तमाम बहन भाइयों को 14 अगस्त की भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अल्लाह पाक ने हम सबको इतना खूबसूरत मुल्क दिया जिसमें तमाम नेमतें मौजूद हैं, तमाम मौसम हैं, हर किस्म का रंग है, बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं, प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। यकीन जानिए ज़िंदगी में कभी मुझे मौका नहीं मिला था, लेकिन इस एक ही टीवी के प्लेटफॉर्म पर जब इतने सारे लोगों के साथ मेरा इंटरेक्शन होता है तो दिल से आप लोग के लिए दुआ भी निकलती है। इसी तरह आप लोग भी पाकिस्तान के लिए दुआ करें, क्योंकि मुझे एहसास होता है कि हम पाकिस्तानी बहुत ही मासूम, प्यारे, अच्छे, मेहनती, और हम सब के अंदर एक जोश और वलवला मौजूद है कि हम अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। कुछ लोगों को मौका मिलता है, कुछ लोगों को मौका नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ अपनी सोच को बेहतर रखना। इंसान ज़िंदगी में कभी ना कभी मौका ज़रूर हासिल कर लेता है अगर उसकी सोच में बेहतरी हो, पॉजिटिविटी हो, अपने मुल्क के लिए कुछ करने की वो ठान ले। और जनाब इसके साथ साथ मैं इस चीज़ की भी मुबारकबाद देना चाहूँगा उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस साल हज किया, हज बैतुल्ला की सआदत जो है वो उन्होंने हासिल की, और मक्का मदीना में मौजूद हैं, वहाँ पे अगर सुन रहे हैं तो उनसे भी मेरी ये गुजारिश होगी कि इस अर्ज़ पाक को ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें। तमाम मुसलमानों को मेरी तरफ से एक यू टी वी की जानिब से हज की ढेरों मुबारकें, कि अल्लाह पाक हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और हमें भी मौका दे कि हम उसके दर पे जाएं और ये सआदत हासिल करें। जिन लोगों ने अभी तक हज या उमरे की सआदत हासिल नहीं की, मेरी तहे दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को ज़रूर हज पे लेके जाएं। और आपको पता है नाज़रीन के हज का जो फ़लसफ़ा है और हज की जो इबादत है उसके बारे में मुझे कॉल याद आ गया कि एक ऐसा फ़र्ज़ अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक अमल है कि हज के दौरान हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि पता नहीं हमारा हज कबूल हुआ या नहीं हुआ। तो मुझे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कॉल याद आ गया, बड़ी प्यारी खूबसूरत बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हज करने के बाद ये सोचना कि मेरा हज कबूल हुआ है या नहीं हुआ तो इस पर भी आपका हज बातल हो जाता है। तो जनाब इतनी बड़ी इबादत है कि बिल्कुल उसके बाद इंसान ऐसे ही पाक साफ होकर वापस आता है कि जैसे इस दुनिया में आता है। तो हज करने के बाद ये सोचना कि पता नहीं कबूल हुआ या नहीं हुआ, ये भी आपकी इबादत को ख़त्म कर सकता है। बहरहाल मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पे अपना करम रखे, इस मुल्क पे ख़ास तौर पे अपना फ़ज़ल और करम रखे, और इस मुल्क को बहुत सारी जो नेमतें मिली हैं उन नेमतों के साथ साथ हम तमाम पाकिस्तानियों को खुशियाँ, सकून और सब्र जो है वो भी अता करें। तो आइए अब हम बाकायदा वीकली हॉरोस्कोप का आगाज़ करते हैं कि 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ये हफ़्ता कैसा रहेगा। उससे पहले मैं ये बताता चलूं कि इंशाल्लाह ताला सितंबर अगले माह मतवक्को है कि मैं कराची में मौजूद होऊंगा। जो बहन भाई वहाँ पे मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दूसरा, इस वीडियो में किसी भी एक जगह पे
नासिर काजमी साहब का एक शेर मैं पढ़ूंगा और जो भी सबसे पहला शख्स एक नहीं बल्कि दो उसको तलाश करने में कामयाब हो गए उन दो खुश नसीबों को ए क्यू टी वी की जानिब से एक एक खूबसूरत सा नगीने का तोहफा दिया जाएगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज हमल एरीज की। आइए अब हम बात करते हैं बुर्ज हमल एरीज की। 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक यह हफ़्ता आप लोग का कैसा रहेगा और मैं ये बताता चलूँ इस वीडियो में किसी भी एक जगह पर नासिर काजमी साहब का शेर मैं पढ़ूंगा और जो भी सबसे पहला शख्स उसको तलाश करने में कामयाब हो गया तो उन पहले दो खुश नसीबों को ए क्यू टी वी की जानिब से एक एक खूबसूरत सा नगीने का तोहफ़ा दिया जाएगा। एरीज वालों के लिए ये वीक इंतहाई पुरजोश है, पुरवकार है और इज़्ज़त में इजाफ़ा दिखाई देता है। कामयाबियाँ ढेरों मिलती हुई नज़र आ रही हैं। चूँकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में छुट्टियां हैं बल्कि दुनिया में कहीं पे भी आप मौजूद हों तो ईद की छुट्टियां होती हैं, लेकिन बैरून मुल्क ईद हॉलीडेज़ का तसव्वुर करना ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जो लोग मुसलमान कंट्रीज़ में नहीं बसते। लेकिन उसके बावजूद अगर एरीज वालों का ये वीक देखूँ तो हर लिहाज से एक सक्सेसफुल और कामयाब वीक रहेगा, जिसके अंदर जो भी काम करेंगे उसमें कामयाबी दिखाई देती है। रूहानियत का पहलू, रूहानियत और छठी हिस्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। ख्वाबों की ताबीरें दूसरों को बताते हुए नज़र भी आ रहे हैं और अपने ही ख्वाबों की ताबीरों को तलाश करते हुए भी आप लोग नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे एक और अहम चीज़ भी मैं देख रहा हूँ कि जिन लोगों के वालिद अभी तक हयात हैं, जिनका ताल्लुक बुर्ज हमल एरीज से हैं, कि अपने वालिद को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देंगे, उनकी ज़िंदगी के जो तल्ख तजर्बात हैं या अच्छे तजर्बात हैं उन से सीखते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे प्लान करेंगे। बैरून मुल्क अगर आप सफ़र करना चाहते हैं या हज उम्रा ज़ियारात की नीयत की है तो इस हवाले से भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखाई देती हैं कि आपका प्रोग्राम बन सकता है या आप हज उम्रा या ज़ियारात के ऊपर भी जा सकते हैं, चूँकि इस हवाले से यह हफ़्ता बहुत ज़्यादा अहम भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। उसके बाद जनाब देखा जाए कि अगर आपने अपने किसी निजी काम से बैरून मुल्क सफ़र करना है या लंबे सफ़र करना चाहते हैं उसमें भी आसानियां रहेंगी। जिन लोगों ने इमिग्रेशन के हवाले से अप्लाई कर रखा है आपको इस वीक में कुछ अच्छी चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं। इसके बाद कुछ कॉमन की पॉइंट्स होते हैं उसके बारे में मैं गुफ्तगू करूँगा, जिसमें सबसे पहले आपकी शख्सियत को देखूँगा। तो आपकी शख्सियत इस वीक में मुतासर कौन है, सहर अंगेज़ी जो है आपकी शख्सियत में नज़र आ रही है और दूसरे लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा मुतासर होते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि आपके स्टेप्स को फॉलो भी करेंगे और आपकी रहनुमाई और आपकी मुशावरत में अपनी ज़िंदगी को आगे तरतीब देते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर इसके बाद अगर हम मईशत और फाइनेंस को देखें तो आपके कंट्रोल में है, ख़र्चा इतना ज़्यादा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर करेंगे तो कोई ना कोई उसका नेमुल बदल जो है वो ज़रूर आपके पास होगा ताकि फाइनेंशली तौर के ऊपर आप ज़्यादा बाउंड ना हो या स्ट्रेस में ना चले जाएं। फिर उसके बाद रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात ज़्यादा रहेंगे, मिलना मिलाना, गेट टुगेदर्स, खाना पीना और खुश खुराकी करना ये भी इस वीक में दिखाई देता है। जहाँ तक बात है बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात की तो वो नॉर्मल ताल्लुकात है, बल्कि अंदेशा है कि बहन भाइयों के साथ थोड़ी बहुत नाचाकी या नाराज़गी हो सकती है। घर का सुख तसल्ली बख्श है और घर में मौजूद जितने भी अफराद हैं उनके साथ ताल्लुक भी बेहतर रहेगा। औलाद का सुख बिल्कुल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। औलाद की तालीम की तरफ अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो फिर औलाद की तरफ से थोड़ा सा परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है। जो लोग ख्वाहिशमंद हैं लॉटरी के इनाम के तो इस हवाले से ये वीक इम्पॉर्टेंट है, कोई इनाम मिल सकता है, निकल सकता है, कोई ऐसा गिफ्ट भी मिल सकता है जिसकी हैसियत इनाम के बराबर हो। फिर उसके बाद देखें जिन लोगों को प्यार हो जाता है, छुट्टियों में प्यार की शिद्दत में वैसे ही इजाफ़ा हो जाता है और जनाब कोशिश करें कि इस ईद पे ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त खाएं और अपना दिल जो है अपनी फैमिली के साथ लगाएं, क्योंकि प्यार मोहब्बत के मामलात के अंदर कोई इतनी ज़्यादा कामयाबी नज़र नहीं आ रही। फिर उसके बाद सेहत के मामलात अगर देखें तो सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहेगी, लेकिन स्टमक की प्रॉब्लम हो सकती है जिस वजह से थोड़ा सा गैस
की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का मसला, जिन लोगों को पाइल्स का इशू है उनको तो बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पाइल्स की शिकायत होती है तो इसको जाते जाते थोड़ा सा टाइम लगेगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक नॉर्मल रिलेशन रहेगा, बल्कि कोशिश करें कि अगर कहीं पे भी कोई नाराज़गी का पहलू या आंसर पैदा होता है तो उसको इग्नोर करें, अवॉइड करें। फिर इसके बाद कारोबारी अफराद के लिए ये वीक कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, एक नॉर्मल वीक रहेगा। और कारोबार के अंदर आमदन या मुनाफा अगर मैं देखूं तो वो भी उसी तरह से ही दिखाई देता है जैसे माजी में चलता हुआ आ रहा है। दोस्तों के साथ मुलाकातें कुछ ज़्यादा रहेंगी, अपने मशीरों के साथ भी मुलाकातें आप ज़्यादा करेंगे और उनके साथ जो चीज़ें आप लोग डिस्कस करते हैं वो भी ज़्यादा करते हुए दिखाई देते हैं। सोशल सर्कल खासा वसी रहेगा। और ख्वाहिशात के हवाले से अगर हम देखें तो कोई एक ख्वाहिश एटलीस्ट इस वीक में ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और वो लोग जिनको आदत है अकेले और तन्हा रहने की, वो भी इस वीक में अकेले रहते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि अगर आपके किसी के साथ कोई इख्तलाफात हैं या अलहदगी होने का किसी के साथ अच्छा है तो आप कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को ख़त्म किया जाए इस वीक में। आप लोग अगर सफ़ेद चीज़ों का सदका देना चाहते हैं तो सफ़ेद चीज़ों का सदका दे सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे जी सफ़ेद चीज़ें कौन कौन सी हैं, तो जनाब हस्बे तौफीक आप कोई भी चावल, आटा, दही, दूध या कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ इसी से रिलेटेड आपको कुछ समझ आती है तो वो आप हस्बे तौफीक अपना सदका दे सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला सितंबर में मैं मौजूद हूँगा कराची में, वहाँ पे बहन भाई अगर मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं उसी पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन और अपॉइंटमेंट दिन के औकात में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज सौर टॉरस की। अब हम बात करते हैं बुर्ज सौर टॉरस की। तो जनाब सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इस पूरी वीडियो में नासिर काज़मी साहब का एक शेर मैं पढ़ूंगा और जो भी सबसे पहले दो शख्स उसको तलाश करने में कामयाब हो गए ईक्यू टीवी की जानिब से, दो खूबसूरत के नगीने जो हैं उन दोनों में तकसीम किए जाएंगे कि एक एक नगीने का तोहफ़ा दिया जाएगा। तो जनाब ये हफ़्ता छुट्टियां भी हैं, ईद के दिन भी हैं और हज का भी सीज़न है और उसके बाद सबसे अहम बात कि 14 अगस्त भी है। लेकिन इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि बुर्ज सौर वालों के चेहरों पर दिल में एक अजीब सी उदासी दिखाई देती है, नाउमीदी की कैफियत, परेशान कुन नज़र आते हैं। तो जनाब अगर आपके दिल में या दिमाग में कोई भी ऐसी चीज़ चल रही है, कोई ऐसी खुफिया चीज़ जो आपने ज़िंदगी में कभी किसी के साथ ना शेयर की ना डिस्कस की, अगर आप किसी के साथ शेयर कर दें तो आपके दिल का बोझ काफ़ी हद तक कम हो सकता है, क्योंकि ये हफ़्ता आप लोग के लिए है बहुत अच्छा, कामयाबियों के लिहाज से अच्छा वीक है, लेकिन फिर भी ज़हनी तौर के ऊपर नाउमीद से नज़र आते हैं। अगर आपने इस कैफियत को अपने ऊपर तारी रखा या हावी रखा तो आपके जो अच्छे और इम्पॉर्टेंट काम हैं वो थोड़ा सा ताखीर का शिकार भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें अपने दिल की बातों को ज़ुबान पर लेके आएँ और उसको दूसरों के साथ शेयर करें, डिस्कस करें, ताकि थोड़ा सा आपका बोझ हल्का हो। और वैसे भी टॉरस वाले बहुत प्यारे लोग होते हैं, दूसरों का ख्याल रखने वाले, दूसरों की खिदमत करने वाले और दूसरों में प्यार मोहब्बत बांटने वाले लोग होते हैं। तो जनाब अगर ये कैफियत रहेगी तो फिर ये वीक कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गुजरेगा। फिर इसके बाद मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ खुफिया सरगर्मियों में भी मुब्तला नज़र आ रहे हैं और कोशिश यही है कि हम जो भी कर रहे हैं इसका पता दूसरों को ना चले। तो ऐसी कैफियत में, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना भी थोड़ा सा परेशान कुन हो सकता है। और जहाँ तक हेल्थ की बात है, हेल्थ के हवाले से थोड़ी सी मुझे तशवीश भी है कि हो सकता है कि हेल्थ ख़राब होने की वजह से भी आप इस कैफियत में मुब्तला हों और इन हॉलीडेज़ को ज़्यादा बेहतर से इन्जॉय ना कर पाएँ। तो बेहतर है कि आप अगर अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, बीमारी महसूस कर रहे हैं, तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर्स के साथ रबते में रहते हुए अपना ख्याल और अपना चेकअप जो है वो ज़रूर करें ताकि बरवक्त बीमारी की तशखीस जो है वो हो जाए। फिर इसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है कि ऐसा फ़ायदा, ऐसी फेवर, ऐसा बेनिफिट जो बग़ैर मेहनत के होता है फाइनेंशियली तौर पे भी या किसी ऐसी एसेट की सूरत में आप लोग को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपका कोई विरासती मसला बहुत अरसे से चल रहा था
تو وہ وراثتی مسئلہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا اس سے کوئی بینیفٹ اور فائدہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ لوگ کو ملے گا۔ پھر اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ کی پوائنٹس پہ اگر نظر ڈالیں آپ کی اپنی شخصیت، جس کے بارے میں میں نے ابھی ذکر کیا کہ شخصیت دوسروں میں نمایاں ہونے کے باوجود تھوڑی سی مایوس کن ہے کہ دوسرے آپ کی شخصیت سے زیادہ متاثر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے بلکہ آپ کو حوصلہ ہی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد معیشت کو اگر میں دیکھوں تو معیشت کے معاملات آپ کے کنٹرول میں رہیں گے، اخراجات جو ہیں وہ تھوڑے سے کم دکھائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے معیشت جو ہے خاصی کنٹرول میں ہے۔ پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ وقت گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور رشتہ داروں کی خدمت، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا پینا، یہ ساری چیزیں اس ویک میں انشاءاللہ تعالی رہے گی۔ لیکن بہت زیادہ مرغن غذاؤں کا استعمال نہیں کرنا، صحت خراب ہونے کا خدشہ ہے، یہ میں شروع میں بتا چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے بلکہ بہن بھائی آپ سے پیار محبت سے پیش آئیں گے، اگر کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو وہ آپ کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے۔ گھر کا سکھ، فیملی کی سپورٹ یہ آپ لوگ کے ساتھ رہے گی، گھر کے جتنے بھی ممبرز ہیں وہ آپ کو پوری توجہ دیں گے لیکن آپ تھوڑا سا اپنی فیملی سے اکھڑے اکھڑے نظر آئیں گے اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ تنقیدی گفتگو تو نہ کریں، خاموش طبیعت اس ویک میں نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کے پیار محبت کے معاملات پہ نظر ڈالیں، جن لوگوں کو بیٹھے بٹھائے عشق ہو جاتا ہے اور دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی رشتہ ناتا نظر نہیں آتا، تو پیار محبت کے معاملات اس ویک میں اچھے ہیں، اس میں کامیابی آپ کو مل سکتی ہے۔ تعلیمی اعتبار سے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نارمل ویک ہے، کچھ زیادہ اس میں ہیپننگ اور ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اور جن لوگوں کی خواہش ہے جناب کہ ہمیں کوئی انعام یا لاٹری ہماری نکل آئے تو میں بتایا کہ ان ایکسپیکٹڈ منی مل سکتی ہے، تو یہ ویک اس حوالے سے بھی اچھا ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہوا تھا ایون وہ بھی واپس ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، تھوڑا ہے لیکن ملے گا ضرور۔ پھر اس کے بعد آپ کے گھر میں جو ملازمین ہیں ان سے ذرا تھوڑا سا محتاط رہیے گا، ان کا رویہ آپ لوگوں کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے، نظر بد بھی آپ کو تھوڑا سا متاثر کر سکتی ہے۔ بزنس کاروبار کرنے والے ٹورس افراد کے لیے یہ ویک ایک نارمل ویک ہے، اس میں کچھ زیادہ بہتری کاروباری لحاظ سے تو نہیں رہے گی، مصروفیت رہ سکتی ہے، بینیفٹ اور فائدہ یا پروفٹ اس کے اندر اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آپ کی خواہش ہے۔ دوستوں کے ساتھ ملنا ملانا رہے گا، خواہشات اگر دیکھوں تو پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بلکہ آپ کی خواہشات کے مطابق یہ ویک بھی آپ کا گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو رہیں گے، نئے لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا رہ سکتا ہے، اگر کسی کے ساتھ اختلافات تھے تو وہ اختلافات دور بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ہسبینڈ وائف کا ریلیشن اس ویک میں اچھا نہیں ہے، آپس میں پیار محبت سے رہیں، ایک دوسرے کو اپنا تعاون پیش کریں، ایک دوسرے کی ہمدردی حاصل کریں اور جتنا زیادہ ہو سکے اپنی دل کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی بھی قسم کی غلط فہمی جو ہے وہ آپ لوگ کے اندر پیدا نہ ہو سکے۔ اس ویک میں اگر آپ کوئی اپنا صدقہ خیرات کرنا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں، کالے رنگ کی چیزوں میں آ جاتا ہے جناب کالے ماش، کالے تل، کالا کپڑا، اجوا کھجوریں یا کوئی بھی آپ کو کالے رنگ کی کوئی چیز مناسب لگے، ایون بینگن لے کر بھی آپ کسی مستحق کو دے سکتے ہیں کہ وہ اس کو کھانے پینے میں استعمال کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ستمبر میں متوقع ہے کہ میں کراچی آؤں اگلے ماہ، اور وہاں پہ بہن بھائی اگر میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ یہ ہم نے بتایا برج سور کا، اب میں بات کروں گا برج جوزا جیمنائی کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزا جیمنائی کی، 11 اگست سے لے کر 17 اگست تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ ناصر قاسمی صاحب کا ایک شعر میں پڑھوں گا، جو بھی سب سے پہلے دو شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے اے کیو ٹی وی کی جانب سے خوبصورت سے نگینوں کے تحفے آپ دونوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ تو جناب برج جوزا والوں کا یہ ویک بہت زیادہ اچھا گزرنے والا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاپنگ، خرچہ اور ایسا
ऐसा खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिससे आपको तस्कीन मिलेगी कि जनाब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं और एक ही हफ्ते में हमने तमाम ज़िंदगी की चीज़ें या दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं यही कोशिश होगी कि हम उनको परचेज़ कर लें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो ज़रूरत की अशिया हैं उन्हीं को ख़रीदिएगा। फजूल खर्ची जो है ये आगे चल के थोड़ा सा आपका बजट आउट कर सकती है, आपके लिए तंगी पैदा कर सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वीक आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें मईशत भी कंट्रोल में रहती हुई नज़र आ रही है, अखराजात चूँकि ज़्यादा होंगे लेकिन फिर भी जहन पे इस तरह से दबाव या बोझ नहीं होगा कि फाइनेंशियली तौर पे हमें ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में बहुत ज़्यादा नुमाया अच्छा और बेहतर रहता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि तवज्जो घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, हस्बैंड वाइफ की एक दूसरे के साथ रहेगी। अगर मियाँ बीवी के दरमियान किसी भी किस्म का इख्तलाफात पैदा हुए थे या इख्तलाफात मौजूद हैं तो मैं ये देख रहा हूँ कि वो इख्तलाफात इस वीक में ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। ज़रा सी कोशिश, बजाय इसके कि आप बड़ों को इन्वॉल्व करें, दोस्तों को इन्वॉल्व करें, रिश्तेदारों को बीच में डालें, ख़ुद से की गई कोशिश आपके ताल्लुकात को बेहतर कर सकती है। इसके साथ साथ मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग की शख्सियत पहले के नस्बत बहुत ज़्यादा मुतासर कुन है, अच्छी है, दूसरे आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपकी इज्जत रिस्पेक्ट में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। बहस व तकरार में इस तरह से उलझेंगे कि दूसरों को अपना गर्विदा भी बना सकते हैं कि दूसरे आपको दाद दिए बगैर ना रहेंगे। सैर व तफरी के प्रोग्राम आप लोग के बन सकते हैं, दोस्तों के साथ भी, फैमिली के साथ भी, और अगर आपकी शरीक हयात अगर आपसे कोई डिमांड करती है तो उसको फौरी तौर पर पूरा कर दीजिएगा, वरना ईद की छुट्टियाँ जो हैं वो आपको किसी और के घर पर भी गुजारनी पड़ सकती है। और जनाब इसके बाद जो अहम की पॉइंट्स हैं इस पूरे वीक में उसके ऊपर अगर मैं नज़र डालूँ, पुराने दोस्त बचपन के दोस्तों से रब्ता होगा, अगर कुछ नए दोस्त ज़िंदगी में शामिल हुए थे लेकिन उनके साथ तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरेगा, पुराने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। और वालदैन के साथ भी आपके ताल्लुकात इस वीक में अच्छे रहेंगे, हमसाए, रिश्तेदार, कज़न्स, बहन भाई, ये सारे के सारे रिश्ते नाते आप लोगों को इस वीक में दुआएं देते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि इस हफ्ते को आप वक्फ़ कर देंगे कि जितना ज़्यादा हो सके हम दूसरों के काम आ सकें। तालीम के हवाले से स्टूडेंट्स के लिए ये एक नॉर्मल वीक है, इसमें को बहुत ज़्यादा मैं दिलचस्पी नहीं देख रहा कि तालीम की तरफ रहेगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे तालबे इल्म जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं आप ज़रा थोड़े से संजीदा भी हैं और फ़िक्रमंद भी हैं अपने मुस्तकबिल को लेकर, और जनाब होना भी चाहिए। बेशक छुट्टियां हैं लेकिन उसके बावजूद ये संजीदगी का पहलू, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसे जौजा वाले अफराद हैं जो वक्त से अपने आप को चुरा कर साइड पर ले जाएँगे और अपनी तालीम के ऊपर फोकस करेंगे। कारोबार करने वाले अफराद, चाहे आपका बड़ा कारोबार है या छोटा कारोबार है, दोनों के अंदर मुनाफा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। खातून खाना, घर की जिम्मेदारियां आपके ऊपर ज़्यादा रहेंगी और फैमिली की तरफ से आपको एप्रिसिएशन भी मिलती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप घर के अंदर मौजूद किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करेंगी कि हमें हमारे घर में इस कमी को पूरा करने की ज़रूरत है, तो आपका लाइफ पार्टनर फौरी तौर के ऊपर उस कमी को भी दूर करेगा, चूँकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर किसी के दरमियान इख्तलाफात हैं तो वो इख्तलाफात भी आप लोगों के इस वीक में दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। सेहत जिस्मानी को देखूं तो वो बीमारियां जो तवील अरसे से आपके साथ मुंसलिक हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर या इसके अलावा कोई और ऐसी बीमारी जो लंबे अरसे से आपके साथ मुंसलिक है, तो वो उसी तरह से ही चलती रहेगी जैसे माजी में थी, बल्कि थोड़ी सी बिगड़ भी सकती है। एहतियात कीजिएगा, नेग्लिजेंसी बिल्कुल नहीं करनी। विल पावर इस वीक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी और यही स्ट्रांग विल पावर आपको मजबूर करेगी कि आप रेगुलर रूटीन के चेकअप या रेगुलर मेडिसिन जो आप यूज़ करते हैं वो आप ना करें। फिर उसके साथ चोरी चकारी का अंदेशा है अपने घर में, इंपॉर्टेंट और
ज़रूरी चीज़ों को खुफिया जगहों पर रखें जिसका इल्म आपको हो या आपके लाइफ पार्टनर या वालिदैन या बहन भाइयों के अलावा और किसी ऐसे शख्स को ना हो, ख़ास तौर पर जो मुलाजमीन घर में होते हैं उनकी नज़रों से तो जनाब ज़रूर दूर रखिएगा। फिर वो लोग जिनको नौकरियों के मसाइल हैं, नौकरियों से रिलेटेड मसाइल आपके इस वीक में अभी हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि जिन लोगों ने किसी के साथ कारोबारी एतबार पर कोई बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट या माहदे करने हैं तो वो इस वीक में ज़रूर अच्छे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। प्यार इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार अफराद इस वीक को अच्छे तरीके से गुजारेंगे, बल्कि आपके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी रहता हुआ नज़र आ रहा है। और उन बच्चे बच्चियों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अहम है कि किसी भी महफिल में शिरकत करने से आपकी अगर शादी नहीं हुई तो शादी के पैगामात जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। अगर मिलें, फैमिली पसंद है तो उसको ज़रूर वेलकम करें। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले अफराद थोड़ा सा परहेज़ करें, बैरून मुल्क सफ़र करना या लंबे सफ़र करना नुकसान का पेश खैमा हो सकते हैं या नुकसान का अंदेशा नज़र आता है सितारों की रोशनी में, तो एहतियात लाजमी है। या निकलने से पहले घर से सदका खैरात ज़रूर करें। अल्लाह ताला का एक नाम है या हाफिज़ हो, उसको अपनी ज़ुबान पर रखें और इसको कसरत के साथ पढ़ते रहें। इस वीक में अगर आप लोग अपना कोई सदका देना चाहते हैं तो आप लोग सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका दे सकते हैं। सुर्ख रंग की चीज़ों का मतलब है कि सुर्ख मिर्चें, सुर्ख दाल या बड़ा गोश्त या और कुछ सुर्ख रंग की चीज़ आपकी समझ में आती है तो वो सदका आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला सितंबर में मैं मौजूद हूँगा कराची में। जो बहन भाई वहाँ पे मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आप देख रहे हैं उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यह हमने बताया जौज़ा का, अब मैं बात करूँगा बुर्ज सरतान कैंसर की। अब हम बात करते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की। 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ये हफ़्ता आप लोग का कैसा रहेगा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि जनाब इस वीडियो में किसी भी एक जगह पे नासिर काजमी साहब का एक शेर मैं पढूंगा और जो भी सबसे पहले उसको तलाश करने में कामयाब हो गया एक्यू टीवी की जानिब से, पहले दो लोगों को नगीनों के तोहफे दिए जाएंगे। तो जनाब देखते हैं कि कौन सबसे पहले जवाब दे पाता है। बुर्ज सरतान वाले अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों ने इस वीक को बड़े गौर से सुनना है। उसकी वजह ये है कि यह हफ्ता आप लोग के लिए थोड़ा सा एहतियात का हफ्ता है। अगर इस वीक में आप लोगों ने एहतियात ना की तो होगा क्या, सर दर्द की शिकायत रह सकती है, मुस्तकिल मिजाजी गैर मुस्तकिल मिजाजी में बदल सकती है, अच्छे और करीबी दोस्त रूठ कर नाराज़ हो सकते हैं, स्किन एलर्जी में मुब्तला हो सकते हैं, आंखों का इन्फेक्शन हो सकता है। इस सावन के मौसम में आपको सांस या नाक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इस बदलते हुए मौसम के अंदर आपकी सेहत ख़राब होने का अंदेशा है। खाने पीने की वजह से तो शायद इतना ज़्यादा इस कुर्बानी की ईद पे आपकी सेहत मुतासर ना हो, ख़राब ना हो, लेकिन बदलते हुए मौसम की वजह से मैं देख रहा हूँ कि अगर कोई नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या कोई छोटा मोटा चेहरे पे कोई पिंपल या जिस्म पे कहीं पे निकल भी आता है कोई दाना या फोड़ा तो जनाब वो इतना ज़्यादा तकलीफ़ दे होगा कि आपको बुखार हो सकता है। तो एहतियात लाजमी है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कीजिएगा ताकि आपके जिस्म में गर्दिश करने वाला खून वो साफ़ रहे, जितने भी फासिद किस्म के जो मादे हैं वो ज़ायल हों और आपका खून पतला रहे और साफ़ रहे। अगर आपने इस वीक में एहतियात ना की तो सेहत बिल्कुल भी ठीक नज़र नहीं आ रही। और सोने पे सुहागा नज़र बद बहुत ज़्यादा तंग और डिस्टर्ब करेगी, और सिर्फ नज़र बद तंग नहीं करेगी, इसके साथ अगर जिन लोगों को ये हमेशा खदशात रहते हैं कि हम पे किसी ने जादू कर दिया है, तावीज़ धागे कर दिए हैं, तो ये मामलात भी बहुत ज़्यादा नुमाया रहेंगे। तो रूहानी तौर पे भी अपना तदारुक आप लोगों ने करते रहना है। अपने घर में कोशिश करें कि सूरह बकरा की तलावत जो है वो कसरत से करें ताकि किसी भी किस्म की नज़र बद तंग नज़री से बचा जा सके, क्योंकि मुनाफिकीन हासदीन पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कामों में रुकावट डाली जाए। फिर उसके बाद अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर मौजूद है तो फौरी तौर के ऊपर उनकी बीमारी
पे भी आपको नज़र रखने की ज़रूरत है कि अगर उनके अंदर कोई ऐसी वबा या कोई ऐसी बीमारी मौजूद है जिसकी वजह से आप लाइल्म है और आपको नहीं पता, उस वजह से भी आपके घर में कोई बीमारी फैल सकती है, तो जो जानवरों के डॉक्टर हैं उनसे अपने पालतू जानवरों का चेकअप लाजमी करवाएँ ताकि खुदा न ख्वास्ता वो बीमारी आप तक मुंतकिल ना हो। और स्पेशली जो बच्चे हैं कैंसेरियंस, उनकी सेहत का माँ बाप दोनों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ठंडा गर्म इससे एहतियात करनी है। मेरी इतनी लंबी गुफ्तगू सुन के आपको लग रहा होगा कि शायद आज जंजानी साहब डॉक्टर बन गए, तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग मुझे बहुत प्यारे, बहुत अजीज़ हैं और सितारों की रोशनी में जहाँ तक भी है ये एहतियात करना बहुत लाजम है। उसके बाद जब भी अपना कोई सामान कहीं पर रखते हैं उस पर नज़र रखें, या आपके इल्म में होना चाहिए, उसको रख के आप भूल भी सकते हैं या वो गुम भी हो सकता है, और उसके बाद वो दोबारा से वापस मिलना वो मुश्किल है। स्पेशली वो लोग जो अपनी गाड़ियों को या मोटर बाइक्स को अपने घर के बाहर पार्क करते हैं और घर में गैराज भी मौजूद हैं और बिल्कुल भी वो जहमत नहीं करते कि अपनी इतनी कीमती सवारियों को वो घर से बाहर रखते हैं, तो इस वीक में आपने एहतियात करनी है कि अपनी गाड़ी या सवारी कोई भी है उसको अपने घर के अंदर पार्क करें या किसी महफूज जगह पे पार्क करें ताकि कोई शरारती किस्म का शख्स जो है वो आपको परेशान ना करें, क्योंकि ये चीज़ें भी आपकी चोरी हो सकती हैं। उसके बाद ज़ेवरात के ऊपर ख़वातीन ख़ास तौर पे अपनी तहवील में रखें, अगर नहीं रख सकती तो बैंक के अंदर जो लॉकर्स हैं उसमें आप रखें ताकि किसी भी किस्म की घर में अगर कोई नागहानी सी परेशानी पैदा होती है चोरी की सूरत में तो उससे भी बचा जा सके। इसके बाद अच्छी चीज़ यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि अगर आपके कानूनी मामलात अगर किसी के साथ चल रहे हैं तो उनके साथ बैक एंड पे या अंडर द टेबल कोई डील हो सकती है और वो डील आपकी फेवर में भी जा सकती है। अगर ऐसा कोई मौका मिले तो उसको फौरी तौर पे आप कबूल करें। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि छुट्टियाँ होने के बावजूद, एक दूसरे के साथ होने के बावजूद एक दूसरे की तरफ ध्यान तवज्जो नज़र नहीं आ रही अपने आप को बज़ाहिर शो करने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, तो आप अपने शरीक हयात की तरफ से तवज्जो हटाएंगे जिसकी वजह से आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए जनाब सरदर्द भी बन सकता है शिकायत की सूरत में कि आप ना तो हमसे प्यार करते हैं ना ही हमें टाइम देते हैं, तो फिर इन छुट्टियों का क्या फ़ायदा। तो बेहतर है कि अगर आप ये वीकली हॉरोस्कोप सुन रहे हैं तो पहले से ही तैयार रहें। उसके बाद कुछ मेन की पॉइंट्स के ऊपर अब आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनेंसिस की। फाइनेंसिस इस वीक में कुछ इतने ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहेंगे, अखराजात ज़रूरत से ज़्यादा हो सकते हैं। रिश्तेदारों के हवाले से देखें तो रिश्तेदारों के साथ मिलना मिलाना तो ज़्यादा होगा, लेकिन मे भी हो सकता है कि कुछ मुलाकातें नागवार गुजरें कि आप नहीं मिलना चाहते थे लेकिन मजबूरन फिर भी आपको मिलना पड़ेगा। इसके बाद बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, ये वो रिलेशन है कि जिनकी तरफ से आपको उनके साथ मुलाकात करना मिलना बायस राहत भी हो सकता है। जहाँ तक बात करें फैमिली मेम्बर्स की सपोर्ट की, तो उनका तआवुन उनका सपोर्ट आपके साथ बिल्कुल रहेगा, लेकिन आपकी थोड़ी सी अदम दिलचस्पी की वजह से उनके अल्फाज में कुछ तनकीदी जुमले शामिल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ़्ता बेपरवाह किस्म का लापरवाही का वीक रहेगा, बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देंगे बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सैर व तफरी घूमना फिरना या वक्त का ज़्या जो है इसको अपना मंचूर बनाते हुए इस वीक में नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक बात है प्यार मोहब्बत की, तो जिनको किसी के साथ प्यार है तो इस वीक में रोमांस का पहलू या ज़्यादा गुफ्तगू या मुलाकातें जो हैं वो बिल्कुल नज़र आती हैं कि रोमांस का मौका बिल्कुल मिलेगा। फिर इसके साथ साथ अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कामयाबी, कि कामयाबी आपको मिलेगी ज़रूर, लेकिन आपके कामों में कुछ चीज़ों पे हर्डल्स आ सकती हैं। अगर वो हर्डल्स आएँ तो उनको ज़्यादा फील या महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, आपके इंशाल्लाह ताला काम बनते चले जाएंगे। इज़्ज़त रिस्पेक्ट में इजाफा होगा, लेकिन ज़हनी तौर के ऊपर आप उस इज़्ज़त और रिस्पेक्ट को कबूल नहीं करेंगे क्योंकि आपकी ख्वाहिशात इससे भी कुछ ज़्यादा हैं। उसके बाद दोस्तों के साथ मुलाकातें रहेंगी, लेकिन
वो दोस्त जो बहुत ज़्यादा गहरे और करीबी हैं उन्हीं के साथ मुलाकातें रहेंगी, लेकिन ज़्यादातर वक्त जो है फैमिली के साथ ही गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक में अगर आप लोग कोई अपना सदका देना चाहते हैं तो बाजरे का सदका सबसे बेहतरीन है कि आप इस पूरे वीक में हफ्ते के 7 दिन 3 मुठियां बाजरा लेकर अपना सदका दें, परिंदों की दावत करें, परिंदों को डालें ताकि किसी भी किस्म की परेशानी, बीमारी, नज़र बद, जादू टोना, इन तमाम चीज़ों से बच सकें। इंशाल्लाह ताला सितंबर में मैं मौजूद हूँगा कराची में। जो बहन भाई वहाँ पे मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमने बताया बुर्ज सरतान का, अब हम बात करते हैं बुर्ज असद लियो की। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद लियो की। 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ये हफ़्ता आप लोग का कैसा रहेगा, उससे पहले मैं ये बताता चलूं कि इस पूरी वीडियो में किसी भी एक जगह पे नासिर काजमी साहब का शेर मैं पढूंगा और जो भी सबसे पहले 2 शख्स उसको तलाश करने में कामयाब हो गए AQTV की जानिब से, आप 2 लोगों को एक एक खूबसूरत नगीनों का तोहफ़ा दिया जाएगा। बुर्ज असद लियो वाले इस हफ़्ते को बहुत ज़्यादा संजीदगी से गुजारने वाले हैं, चूँकि संजीदगी का पहलू आप लोगों के अंदर पहले की नस्बत इस वीक में बहुत ज़्यादा नज़र भी आ रहा और पाया भी गया है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में कुछ अचीवमेंट्स ऐसी हैं जो आपने में भी शायद हासिल नहीं की, तो इस वीक में आपकी कोशिश होगी कि हम उन कमियों को पूरा करते हुए उन अचीवमेंट्स को कैसे गुजारें, अपनी ज़ात को टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं और अपनी सोच को इस अंदाज में बेहतर करेंगे कि अगर हम लोग अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को, खुसूसी तौर पे वो लियोज़ वाले अफराद जो पेरेंट्स हैं और बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, ये वीक आप लोग का अपनी औलाद को लेकर भी फ़िक्रमंदी का वीक है कि बच्चों की तरफ ध्यान तवज्जो, अगर पहले आप मसरूफियत की वजह से उनको टाइम नहीं देते थे तो इस हफ़्ते में ज़्यादातर वक्त अपनी औलाद की तरफ या उनकी तवज्जो हासिल करने की तरफ गुजरेगा कि उनकी किस तरह से बेहतर नशोनुमा की जाए। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, वो ये है कि अगर आपके बच्चे किसी भी वजह से आपसे दूर थे या हैं तो आप कोशिश करें कि उनके साथ चीज़ों को डिस्कस करें, उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहते हैं, इससे भी आपको एक बेहतर रहनुमाई मिल सकती है ताकि आप अपने फ्यूचर को बेहतर अंदाज में प्लान कर सकें, जो भी आपकी अच्छी और मुस्बत सोचें हैं अपनी औलाद को लेकर। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बजाय इसके कि आप अपने बच्चों पे डांट डपट के ऊपर ज़्यादा ज़ोर रखें या उनको छोटी छोटी बातों के ऊपर टोकना, इससे बेहतर है कि आप उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर आएँ कि जिससे आपका आपस में माहौल फ्रेंडली हो, दोस्ताना हो और आप उनके साथ चीज़ों को बेहतर अंदाज में शेयर कर सकें। इसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि ये हफ़्ता लियोज़ वालों के लिए इस तरह से गुजरेगा कि पुरानी गज़लें, पुराना म्यूज़िक, अदब से दिलचस्पी, रूहानी जगहों को विज़िट करना, दरगाहें, मज़ारात, ऐसी जगहों पे जाना जहां से रूहानी तौर पे सकून जो है वो उनको मिल सके। फिर इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि अगर आपको किसी को देखने से ही सकून मिलता है, आप किसी ऐसे चेहरे की तलाश में रहते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लुभाता है, पसंद है और आपकी यही ख्वाहिश होती है कि हम ज़्यादा वक्त उनको देखने में गुजारें या उनके साथ गुजारें, तो इस वीक में आपको ये भी मौका मिल सकता है। तो वो अफराद भी खुश हो जाए जिनको किसी से मोहब्बत है, तो आपका ये हफ़्ता अपने प्यारों के साथ गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। फिर उसके साथ साथ ये भी देखें कि जो लोग बैरून मुल्क रहते हैं वहाँ पर रहकर अगर आप अपनी रिहाइश की तब्दीली चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, उसमें भी आसानियाँ देखी गई हैं। बैरून मुल्क ही अगर आपका कोई बिज़नेस या कारोबार है, उसको आप नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, उसमें कुछ मज़ीद इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो इस वीक में आपको ये मौका भी मिलेगा कि आप उसको बेहतर और अच्छे अंदाज में शुरू कर पाएंगे। दूसरे नंबर पर बड़ी अहम चीज़ जो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि
خاص طور پہ میں پھر سے بات کروں گا والدین کی کہ بچوں کی طرف سے آپ نے لاپرواہی نہیں کرنی، اگر لاپرواہی آپ نے کی تو وہ جو فکر مندی کا پہلو ہے وہ بے چینی میں بھی بدل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت اگر دیکھیں تو صحت پہلے کی نسبت الحمدللہ اچھی رہے گی، لیکن آپ کا لائف پارٹنر جو ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بیماری، خاص طور پہ جن لوگوں کو جگر سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے یا کالا یرکان، ہیپاٹائٹس سی، اس بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اس ویک میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو پتے کی پرابلم ہے، آپ کے پتے میں کچھ سٹون ہے، اگر تو ڈاکٹرز آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو ریموو کروا لیں تو بغیر تاخیر کیے آپ اس کو ریموو کروا لیں، اس سے بالکل بھی آپ کو کچھ صحت کو نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ آپ کی صحت مزید بہتر ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد میجر کی پوائنٹس کے اوپر آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا آپ کی اپنی شخصیت کی، اپنی ذات کی، جس میں میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کی سوچ کن کن ڈائریکشنز میں چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر شخصیت کو لے لیں تو شخصیت دوسروں کے سامنے نمایاں رہے گی، دوسروں کی توجہ آپ حاصل کر پائیں گے۔ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا پروگرام بن سکتا ہے، فیملی کے ساتھ بھی آپ کا سیر و تفریح کا پروگرام بن سکتا ہے، اگر یہ موقع ملے تو اس کو بالکل اویل کریں، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ معاشی طور کے اوپر یہ ویک اچھا رہے گا، بہتر رہے گا، لیکن اخراجات جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اخراجات کے اوپر بھی نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے بلکہ کسی اچھی پلاننگ کی ضرورت ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات نارمل رہیں گے بلکہ ملنا ملانا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپس میں گھل مل کر اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا آپ کے لیے باعث تسکین بھی ہو، اور کچھ چیزوں کے اوپر تو بہت زیدہ آپ لوگ انجوائے بھی کر سکتے ہیں۔ موویز فلمز کا پلان بن سکتا ہے، فرینڈز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، کزنز کے ساتھ بھی، ایون اگر مائنڈ میں کوئی برے خیالات ہیں تو وہ اس ویک میں ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ فیملی کی سپورٹ اور تعاون کی بات کریں تو فیملی والے جناب آپ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور آپ جو ہے فیملی سے کہیں دور ہی نظر آ رہے ہیں۔ ذہنی طور کے اوپر بھی اور فزیکلی بھی آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم اپنی فیملی سے تھوڑا سا دور رہیں اور ڈسٹنس پہ رہیں، بہتر ہے کہ فیملی سے زیادہ دور نہیں رہنا۔ اس کے بعد لائف پارٹنر کی بات کی جائے تو لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کا ریلیشن اس ویک میں تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ رہے گا، تو صبر سے کام لینا ہے، برداشت سے کام لینا ہے، اگر کوئی بات ناگوار گزرے تو اس کو درگزر کریں، یہی ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے، اور ہمارا یہ جو ریلیشن ہے ہسبینڈ اور وائف کا، اس کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ ہونا چاہیے، صبر اور برداشت کو۔ اس کے بعد کامیابی کی اگر ہم بات کریں تو کام نارمل روٹین میں جس طرح سے آپ کے چل رہے ہیں اسی طرح سے ہی چلتے رہیں گے، بلکہ ایک چیز اچھی ہے کہ سیکھنے کی قابلیت خاصی نمایاں رہے گی اس ویک میں۔ جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر کی کفالت کرنی ہے، یا دفتروں میں یا کاروبار کے اندر آپ نے دوسروں کا خیال رکھنا ہے، تو آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ بھی اس ویک میں خاصا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ مصروف دکھائی دیتی ہیں اس پورے ویک کے اندر، لیکن اس مصروفیت میں اپنی صحت کی طرف سے آپ نے غفلت نہیں برتنی، کمر درد کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ خواہشات کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ویک ایک نارمل ویک رہے گا، کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی خواہشات تو پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن ایٹ لیسٹ جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں وہ ضرور اس ویک میں ان شاء اللہ تعالیٰ پوری ہوں گی۔ اگر اس ویک میں آپ لوگ کوئی اپنا صدقہ دینا چاہتے ہیں تو پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ پیلے رنگ کی چیزوں میں آ جاتا ہے پیلی دال، جو کہ سب سے بہترین ہے، موتی چور کے لڈو ہیں، آپ زردہ بنا کے چھوٹے بچوں میں، غربا میں تقسیم بھی کر سکتے ہیں، اور جب تقسیم کریں اپنے لیے بھی دعا کیجئے گا اور ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ستمبر میں، نیکسٹ منتھ میں کراچی میں ہوں گا، اور جو بہن بھائی میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کراچی میں، اسکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ آئیے اب بات کرتے ہیں برج سملا ورگو کی۔ برج
برج سملہ ورگو 11 اگست سے لے کر 17 اگست تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے، اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ ناصر کاظمی صاحب کا ایک شعر میں پڑھوں گا، اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں دو لوگ کامیاب ہو گئے، اے کیو ٹی وی کی جانب سے آپ دونوں کو ایک ایک خوبصورت سا نگینے کا تحفہ دیا جائے گا۔ تو جناب برج سملہ جس کو ہم ورگو بھی کہتے ہیں، کہا جا جاتا ہے کہ اگر انسان کو ذہنی طور پہ سکون میسر نہ ہو تو پھر دنیا کی کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی۔ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ذہنی سکون کے حوالے سے بہت زیادہ اہم بھی ہے، امپورٹنٹ بھی ہے۔ بہت ساری رکاوٹیں، پریشانیاں ہر انسان کی زندگی میں آتی ہے، یہ قدرتی عمل ہے کہ اللہ کی طرف سے آسانیاں بھی ہیں، اچھے لوگوں کے لیے مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو آپ ان مشکلات کو، آسانیوں کو بغیر کسی سوچ کے یا بغیر ڈرے آپ ان کو عبور کر جاتے ہیں، اور یہی نشانی ہے ایک مضبوط انسان کی۔ تو یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اپنی سوچ کے حوالے سے بہت زیادہ مضبوط ہفتہ اس لیے رہے گا کہ ذہن جتنی بھی پریشانیاں ہیں یا جتنی بھی مشکلات ہیں اس کے باوجود پرسکون ہے، کہ کسی بھی قسم کی الجھن آپ کو اس ویک میں پریشان نہیں کرے گی۔ اور اس میں اگر یہ بھی دیکھا جائے کہ ماضی میں آپ نے اگر کوئی اچھے اچھے کام کیے ہیں تو وہ لوگ جن کے لیے کیے تھے ان کی طرف سے آپ کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے، یا ان کو بہتر انداز میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر بھی آپ روحانی طور کے اوپر خوشی محسوس کریں گے۔ اور اس میں بڑا اہم رول ہے آپ کی والدہ کا، آپ کی والدہ، ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا، ان سے دعائیں لینا، ان کے ساتھ مشاورت کرنا، ان کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کرنا، یہ آپ کی زندگی کا خاصہ ہونا چاہیے اس ویک کے اندر، کیونکہ آپ کی والدہ صرف آپ کو اچھی اچھی نصیحتیں نہیں کریں گی بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی خواہش ہے جو ان کی وجہ سے پوری ہو سکتی ہے، وہ بھی پایا تکمیل تک پہنچ سکتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کسی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، کسی سے پیار کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اور کبھی موقع ہی نہیں ملتا کہ آخر کس سے بات کی جائے۔ تو آپ اس ویک میں اگر اپنی والدہ سے کوئی بھی جائز فرمائش پوری کروانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور پوری کریں گے، اور اس میں صرف والدہ کی حد تک یہ چیز محدود نہیں رہے گی، والدہ کے ساتھ ساتھ آپ کے جو والد ہیں ان کا پیار محبت بھی آپ کے ساتھ رہے گا، ان کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اگر آپ ان سے بھی کوئی بینیفٹ یا فائدہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ فیملی کا تعاون، فیملی کی سپورٹ وہ رہے گی، فیملی کے ساتھ خوشیاں مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، گھر کے اندر سکون کا ماحول رہے گا، کسی بھی قسم کی بے چینی یا پریشانی اگر آپ کو تنگ کرتی ہے تو آپ ہر ممکن وہ کوشش کریں گے کہ اپنے گھر سے اس بے چینی کو دور کیا جائے، اس ناچاکی کو دور کیا جائے جس سے گھر کے اندر موجود لوگوں میں ناچاکی یا خلفشار جو ہے وہ پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت اچھی سوچ ہے، چونکہ اس ویک میں آپ کی سوچ بہت زیادہ پازیٹیو ہے، کوئی بھی نگیٹو تھاٹ یا برے خیالات آپ کو ڈی ٹریک نہیں کریں گے۔ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس میں پازیٹیو پہلو جو ہے اس کو تلاش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ زمین جائیداد، پراپرٹی کی سیل پرچیز کے لیے یہ بہترین ویک ہے، آپ سیل کر سکتے ہیں، کوئی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں، کوئی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، بائک ہے، یا کوئی بھی سواری کسی بھی نوعیت کی آپ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید کے لیے یہ ویک اچھا ہے۔ میں شاپنگ کی بات نہیں کر رہا، ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو زندگی میں استعمال کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں، اور ان کے استعمال سے آپ بہت سارے بینیفٹس بھی لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو بزنس کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے یہ ویک اچھا ویک رہے گا، اس میں پروفٹ، فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ کچھ نئی سمت، کچھ نئی راہوں کی طرف بھی آپ لوگ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جو چھوٹے بزنس مین ہیں، چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگ، آپ کو اپنے کاموں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، عدم دلچسپی کی وجہ سے آپ کو اپنے کام میں گھاٹا اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ میجر کی پوائنٹس کی بات کی
چیزیں ہیں جس میں نمبر ون آپ کی شخصیت ہے، شخصیت متاثر کن ہے دوسروں کے لیے بھی اور اپنی ذات کے لیے بھی، اپنی ذات کی اصلاح، اپنی بری عادات کو ترک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ ایسے پازیٹیو پیٹرن سیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کو فالو کرتے ہوئے دوسرے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد دوسرا کی پوائنٹ بڑا اہم ہے اور وہ ہے فائنینسز۔ فائنینشلی طور کے اوپر آپ اسٹرانگ رہیں گے، اگر کہیں سے بھی کچھ مالی معاونت اتنی زیادہ نہیں ہے یا خود بھی آپ فائنینشلی طور پہ اتنے اسٹرانگ نہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا ذہن پرسکون رہے گا، کسی بھی قسم کی الجھن آپ کو پریشان اور تنگ نہیں کرے گی۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر انداز میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ تعاون رہے گا، دوستوں کے ساتھ ملنا ملانا بھی دکھائی دیتا ہے۔ پھر اپنے دل کی باتیں، خفیہ باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور کچھ ایسی باتیں بھی کر جائیں گے جو میں بھی شاید ماضی میں آپ نے کبھی کسی کے ساتھ نہ کی ہوں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات تھوڑے سے بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں، بہتر ہے کہ اسی بگاڑ کو پیدا ہونے سے پہلے ہی روکیں اور اوائڈ کریں ان چیزوں کو۔ صحت اچھی رہے گی لیکن سٹمک سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو السر کی شکایت ہے تو جناب بہت زیادہ احتیاط کریں، اگر آپ کو گیس کی پرابلم بھی ہے تو پھر بھی تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا، کوئی ایسی خوراک استعمال نہ کریں جس سے آپ کو سٹمک کی پرابلم ہو سکے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک ایک نارمل ویک ہے، کچھ اتنی زیادہ دلچسپی جو ہے طالب علموں کی اس ویک میں نظر نہیں آتی، لیکن جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں اور اس سنجیدگی کے پہلو کو جانے نہیں دینا، کیونکہ اس ویک میں کوئی بھی ایسی چیز جو آپ سیکھیں گے وہ میں بھی آگے چل کے آپ اس کو بھلا نہ پائیں اور وہ ساری زندگی کے لیے آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے۔ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں اچھا رہے گا، امیگریشن کے حوالے سے چیزیں بھی اچھی ہیں، قانونی معاملات اگر چل رہے ہیں تو اس پہ توجہ دیں، اپنے قانونی مشیروں کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ کہیں سے بھی کوئی غفلت جو ہے وہ دکھائی نہ دے۔ اپنے گھر کی چیزوں پہ خاص طور پہ توجہ دیجیے گا کیونکہ چوری کا اندیشہ ہے یا چیزیں آپ کی گم سکتی ہیں، لیکن آگے چل کے وہ آپ کو واپس بھی مل جائے گی۔ بہتر ہے کہ وقتی پریشانی سے بچنے کے لیے اپنی چیزوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں یا اپنی زیر نگرانی ان کو آپ رکھیں تاکہ آپ کو بھولیں نہ کہ کہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے بعد سب سے اہم بات اور وہ ہے میاں بیوی کا تعلق، ہسبینڈ وائف کا ریلیشن۔ اس ویک میں ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ایک اچھا ریلیشن ہے اور رومانٹک ریلیشن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپس میں اگر کوئی پیدا شدہ ناراضگی تھی وہ ختم ہوگی، اختلافات جو تھے وہ ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر علیحدگی کی نوبت تھی تو وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک کبھی بھی کسی ریلیشن میں کوئی پرابلم پیدا نہ کریں۔ اس ویک میں اگر آپ لوگ اپنا کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں۔ سبز رنگ کی چیزوں سے مراد آپ کوئی بھی سبز رنگ کی ویجیٹیبلز لے کر یا سبز دال لے کر صدقہ اپنا دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ستمبر میں میں کراچی میں موجود ہوں گا، کوئی بہن بھائی وہاں پہ اگر مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لیبرا کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لیبرا کی، 11 اگست سے لے کے 17 اگست تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ ناصر کاظمی صاحب کا شعر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے دو لوگ اس کو تلاش کر لیں گے ای کیو ٹی وی کی جانب سے آپ کو نگینوں کے تحفے دیے جائیں گے۔ تو جناب سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں کوئی نگیٹو تھاٹ آ جائے، غلط فہمی پیدا ہو جائے، تو اس غلط فہمی کی بنا پر آپ بہت سارے اپنے کام اور معاملات کو خراب کر سکتے ہیں۔ اس ویک میں آپ کے ذہن میں، آپ کے مائنڈ میں کچھ ایسی نگیٹیویٹی اور غلط خیالات جنم لے سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنے تعلق خراب کریں گے، خاص طور پہ بہن بھائیوں کے ساتھ، کہ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ کے جو کزنز ہیں
उनके साथ भी आपके ताल्लुक जो है वो ख़राब हो सकते हैं। और सिर्फ ये यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा, ये आपकी कम्युनिकेटिव स्किल को भी ख़राब करेंगे, आपकी एजुकेटिव स्किल जो है एजुकेशन के लिहाज से उसको भी ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं। और सिर्फ इसी को ख़राब नहीं करेंगे, आपके जो पड़ोसी हैं, हमसाए हैं, उनके साथ भी कोई गलतफहमी जो है वो पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, बहस व तकरार का अंदेशा है। तो बराए मेहरबानी इन तमाम गलतफहमियों को अपने अंदर से दूर कीजिएगा और पॉजिटिव सोच को और पॉजिटिव थॉट को अपने माइंड में रखें, क्योंकि वक्ती तौर पे इंसान गुस्से में जब आता है तो वो ये नहीं देखता कि सामने कौन है, उनके साथ किस तरह का बिहेव करना चाहिए। तो आपसे जनाब कुछ थोड़ी सी गलती कोताहियाँ हो सकती हैं, मैं बिल्कुल आप लोग को ना तो डरा रहा हूँ ना ही डांट रहा हूँ, सिर्फ मैं ये कहूँगा कि सितारों की रोशनी में कुछ चीज़ें बेहतर नज़र नहीं आ रही, तो आप थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा ताकि इस किस्म की किसी भी परेशानी से बचा जा सके। उसके साथ साथ दांतों की तकलीफ़ में मुब्तला हो सकते हैं, या ज़ुबान पे छाले भी निकल सकते हैं, या जबड़े से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या मसूड़े आपके स्वेल कर सकते हैं, तो उसके लिए एहतियात करें ताकि इन तकलीफ़ से बचा जा सके। क्योंकि वैसे भी कुर्बानी की ईद जो है इस वीक में है, तो जनाब अगर ये प्रॉब्लम रहेगी तो हो सकता है कि आप ज़्यादा इन्जॉय ना कर सकें खाने पीने को। इसके साथ सबसे अहम चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने की है वो ये है कि वो लोग जिनके छोटे कारोबार हैं या बिजनेसेस हैं, आपके कारोबार में तेज़ी रहेगी, मुनाफा होगा, फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन जिनके बड़े बिजनेसेस, बड़े कारोबार हैं, तो उसमें जिस तरह से नॉर्मल रूटीन में आपके काम चल रहे हैं उसी तरह से ही चलते रहेंगे। अब हम आ जाते हैं कुछ मेन की पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला की पॉइंट है हर इंसान की शख्सियत, आपकी शख्सियत। आपकी शख्सियत दूसरों के लिए इंतहाई मुतासिर कुन तो है, लेकिन अगर ये नेगेटिव थॉट आपने माइंड से नहीं निकाले, बहस और तकरार में उलझते रहे, तो दूसरों में आपका मुकाम, आपकी इज्जत ख़राब होने का अंदेशा है। उसके बाद मईशत को अगर देखें, मईशत आपकी कंट्रोल में रहेगी, पैसा आपके कंट्रोल में रहेगा और अखराजात के ऊपर भी काबू दिखाई देता है। फैमिली की सपोर्ट और फैमिली का तावुन उस तरह से नहीं है जिस तरह से आप लोग की ख्वाहिश है कि फैमिली वाले आपसे कुछ दूरी इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखें कि प्यार करने वाले लोग, जिनको किसी से मोहब्बत है, तो आप लोग के लिए ये वीक भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, बदनामी का अंदेशा है। औलाद की तरफ से सुख मिलता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि औलाद की फ़िक्र जो है वो आपको ज़्यादा बेचैन और परेशान भी कर सकती है, तो बेहतर है कि अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें, उनके साथ चीज़ों को शेयर और डिस्कस लाजमी करें। फिर इसके बाद बात करते हैं हस्बैंड वाइफ का रिलेशन। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में अच्छा रहेगा। अगर कहीं पर भी आपको गलती कोताही कर रहे हैं तो आपका लाइफ पार्टनर फौरी तौर पर आपको संभाला देगा, सपोर्ट देगा, और उनके तावुन की वजह से आप जिंदगी में बहुत सारी परेशानियों से भी बच सकते हैं। तो बेहतर है कि अगर जहन में कोई उलझन आती है तो फौरी तौर पे उसको अपने लाइफ पार्टनर से जरूर शेयर करें। जिन बच्चे बच्चियों की अभी तक शादी नहीं हुई, ये वीक आप लोग के लिए बहुत ज्यादा अहम है कि आपको कहीं से भी रिश्ते की कोई अच्छी ऑफ़र आ सकती है, कामयाबियां आपको मिलती चली जाएंगी, जो भी काम करेंगे उसमें फ़ायदा ज़रूर इंशाल्लाह ताला मिलता हुआ नज़र आ रहा है। रूहानियत का पहलू, सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग है, ख्वाब बहुत ज़्यादा आ सकते हैं इस वीक में, नींद अगर डिस्टर्ब थी तो नींद भी पूरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों के साथ मिलना मिलाना इस वीक में इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता, बल्कि आपकी कोशिश होगी कि दोस्तों से हट के हम ज़्यादातर वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारें। इस वीक में आप लोग अगर कोई सदका देना चाहते हैं तो चीनी का सदका बेहतरीन सदका है आप लोग के लिए, चीनी का सदका हस्ब तौफीक आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला सितंबर में मैं कराची में मौजूद हूँगा, नेक्स्ट मंथ आप अगर वहाँ पर मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है उस पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो की।
अब हम बात करते हैं बुजक्रब स्कॉर्पियो की। 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ये हफ़्ता आप लोगों का कैसा रहेगा? नाज़रीन, इस पूरी वीडियो में किसी भी एक जगह पे नासिर कासमी साहब का एक शेर मैं पढ़ूंगा और जो भी सबसे पहले दो लोग उसको तलाश करने में कामयाब हो गए एक टीवी की जानिब से, आपको एक एक खूबसूरत सा नगीने का तोहफा दिया जाएगा। तो जनाब, बड़े अरसे के बाद स्कॉर्पियंस आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं इस वीक में, क्योंकि कुछ ऐसी ख्वाहिशात हैं जो आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, बल्कि पाए तकमील तक पहुंचती हुई नज़र आ रही है। उसमें नंबर वन वो ये है कि फाइनेंशियली तौर पे बहुत अरसे से स्कॉर्पियंस को अगर देखा जाए तो उनके स्टार्स इंतहाई वीक और कमज़ोर चल रहे थे, कि जहन पे दबाव बोझ बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी चीज़ें सिलसिले आपके चलते चले जा रहे थे। लेकिन इस वीक के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि आपको सक्सेस और कामयाबी जो है इस हवाले से वो बिल्कुल मिलेगी, कि फाइनेंशियली तौर पर चीज़ें आपकी खासी कंट्रोल में हैं। तो स्कॉर्पियंस के लिए मईशत के हवाले से ये वीक बहुत अच्छा है। फिर पुराने दोस्तों से रابطہ हो सकता है, वालिद के दोस्तों के साथ भी रابطے में रहेंगे, उनसे फ़ायदे भी मिल सकते हैं, और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव भी आप लोग रहेंगे और अपनी कम्युनिकेशन की जो स्किल्स हैं उसकी धाक दूसरों पे जमाते हुए नज़र आ रहे हैं, और बल्कि कोशिश करेंगे कि लोगों में हमारी बैजा बैजा हो जाए और हर वक्त हमारा जिक्र ही होता रहे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो है आपकी आँखें। आँखों का इन्फेक्शन, आँखों की एलर्जी, आँखों की स्वेलिंग, आँखों का सुर्ख हो जाना, ये चीज़ें आपको तंग और परेशान कर सकती हैं। ख़ास तौर पे ये जो पहले इस वीक के दो दिन हैं 11 और 12 अगस्त के, इसमें बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, बल्कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी के छींटें आँखों में डालते रहें ताकि आँखों से रिलेटेड किसी भी बीमारी में मुबतला ना हो सकें। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अहम की पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी शख्सियत। शख्सियत मुतासर कुन है, पॉजिटिव हैं, दूसरों के साथ कम्युनिकेटिव होने की वजह से आपकी विल पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देती है, और वो विल पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि जोशीले, फुर्तीले और नए नए आइडियाज़ आपके जहन में जन्म लेते हुए दिखाई देते हैं, और वो सिर्फ़ आपकी सोच तक महदूद नहीं रहेंगे, आप उसको दूसरों तक भी पहुँचाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें रिश्तेदारों की, तो रिश्तेदारों के साथ मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा रहेगा, बल्कि रिश्तेदार आपके बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी हो सकते हैं कि जनाब आप तो इतने ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं कि शायद हमें टाइम ही नहीं देते। उस कमी को, उस तिश्नगी को आप दूर करेंगे जो आपके रिश्तेदार आपसे ख्वाहिश कर रहे हैं या आपसे डिमांड कर रहे हैं। कज़न्स के साथ रबते रहेंगे, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात पहले की नस्बत बहुत बेहतर रहते हुए नज़र आ रहे हैं, आपस में प्यार मोहब्बत बांटेंगे, और कहीं पर आपके बहन को या भाई को आपकी ज़रूरत है तो आप सिर्फ कहने की हद तक नहीं अमली तौर पे भी उनका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली की सपोर्ट और फैमिली का तावुन इस अंदाज़ में इस वीक में दिखाई देता है कि आप अपनी फैमिली से कोई भी फरमाइश करेंगे तो आपकी फैमिली उसको ज़रूर पूरा करेगी, बल्कि आपकी फैमिली आपके किए गए अमालों की वजह से, कामों की वजह से, संजीदगी की वजह से आपको अप्रिशिएट भी करती हुई नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक अच्छा है, अगर अपनी तालीमी स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं तालीम पर फोकस करें, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाबी का सिर्फ एक ही ज़रिया है और वो है तालीम। अगर उस पर फोकस करेंगे इस वीक में तो आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। प्यार में गिरफ्तार अफराद इस वीक में गिरफ़्तार हो सकते हैं, तो बेहतर है कि आप ज़रा अपने महबूब के घरों से दूर रहें, वरना पिटाई हो सकती है। इस ईद को ख़राब नहीं करना, प्यार करें तो कुर्बानी के जानवरों से करें और उसके बाद खाने पीने से प्यार करें। सेहत आपकी अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में ठीक रहेगी, नज़र बद का अंदेशा है, थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है, और आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ घूमने फिरने के, सैर व तफरी के, होटलिंग के भी प्रोग्राम बना सकते हैं, इवन दोस्तों के साथ भी आपके घूमने फिरने के प्रोग्राम बन सकते हैं। कामयाबी का आंसर बहुत ज़्यादा नुमाया रहेगा कि जो भी काम करेंगे उसमें इंशाल्लाह ताला कामयाबी बिल्कुल मिलेगी। बिजनेस कारोबार करने वाले अफराद के लिए एक वीक नॉर्मल है। अच्छा, इंपॉर्टेंट वीक उन लोगों के लिए है जो आला तालीम हासिल कर रहे हैं या बैरून मुल्क में आप लोग रहते हैं, आप लोगों की जिम्मेदारियों में इजाफा बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है, कि जहाँ पे आप
थोड़े पैसे कमाते थे जनाब, अब आपको ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। तो मेहनत पहले की निस्बत डबल इस वीक में दिखाई देती है। वो लोग जिनके साथ अपनी दिल की या रास की बातें आप करते हैं, आपको मौका मिलेगा आप उनके साथ अपनी बातों को, चीज़ों को शेयर करें, डिस्कस करें और उनसे अच्छी सजेशन भी आप लोग को मिल सकती है। अगर आपको इस किस्म का मौका मिले तो ज़रूर अपनी खुफिया बातें या जो रास की बातें हैं वो आप खुलकर अपने दोस्तों के साथ, अपने अच्छे मशीरों के साथ शेयर कर सकते हैं। विरासती मामलात के अंदर पेचीदगी रहेगी। अगर फैमिली में कोई विरासती मामला है, उसमें कोई लड़ाई झगड़े का अंदेशा है, तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि ये लड़ाई बढ़कर किसी बड़ी जंग का पेशखैमा भी बन सकती है। अगर किसी के साथ इख्तलाफात हैं, उनके साथ दूरी चाहते हैं और अपने ताल्लुक़ को ख़त्म करना चाहते हैं, तो ताल्लुक़ को ख़त्म करने के लिए ये वीक भी इम्पॉर्टेंट है। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे आपकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट में इजाफ़ा होगा। आपकी ज़िम्मेदारियों को देखते हुए, आपकी मेहनत को देखते हुए आपके फैमिली मेम्बर्स और अगर आप वर्किंग वुमन हैं, आपके एम्प्लॉयज़, आपके बॉसेस आपकी तारीफ़ जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं और हो सकता है कि आपको तरक्की, प्रमोशन के चांसेस भी मिलें। या इसके अलावा भी जो स्कॉर्पियंस हैं उनको ये उम्मीद है कि हमें को तरक्की या प्रमोशन मिले, तो आपको इस वीक में तरक्की, प्रमोशन मिलती हुई नज़र आ रही है। इस वीक में अगर आप अपना कोई सदका देना चाहते हैं तो सफ़ेद रंग की चीज़ जिसमें चावल है, आटा है, वो आप अपना सदका दे सकते हैं। दूध भी आप बच्चों में तकसीम कर सकते हैं या कोई भी सफ़ेद रंग की चीज़ आपको समझ आए या बेहतरीन सी खीर बना के वो भी आप सबको खिला सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला सितंबर में मैं मौजूद हूँगा कराची में। आप लोग अगर मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की। अब हम बात करते हैं बुर्ज कौस सजिटेरियस की। 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक यह हफ़्ता आप लोग का कैसा रहेगा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस पूरी वीडियो में किसी भी एक जगह पर नासिर काज़मी साहब का शेर मैं पढ़ूंगा और जो भी सबसे पहले दो शख्स उसको तलाश करने में कामयाब हो गए, एक ही टीवी की जानिब से एक एक खूबसूरत सा नगीने का तोहफा दिया जाएगा। तो जनाब बुर्ज कौस वाले लोग इस वीक में ज़रा थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि थोड़ा सा इश्तियाल आ सकता है और वो इश्तियाल इस तरह का होगा कि बात कुछ भी नहीं होगी और आप एकदम से आपे से बाहर हो सकते हैं। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि थोड़ी सी ठंड रखनी है आपने। इस मौसम तो गर्मी का है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने मूड को, मिजाज को ठंडा रखना है और इससे आप किसी दूसरे की ज़ात को या शख्सियत को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, आप अपनी ज़ात को नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्योंकि यह हफ़्ता आपकी अपनी ज़ात के हवाले से बड़ा अहम है कि कुछ ऐसी आदत जो अच्छी नहीं है दूसरों की नज़र में, जिसको बहुत अरसे से आप महसूस भी करते हैं कि अब तब्दील होना चाहिए, उनको चेंज होना चाहिए, तो आपको मौका मिलेगा कि उन चीज़ों को आप चेंज करें, तब्दील करें और अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से उसका आगाज़ करें। आगाज़ से मैं ये भी कहूँगा कि अगर इस वीक में आप किसी नई चीज़ का आगाज़ करना चाहते हैं, चाहे वो कोई काम है, कोई बिज़नेस है, कारोबार है, कोई घर का काम है या सीखने का कोई अमल है, तो आप इस हफ़्ते में अगर उसका आगाज़ करते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो होगा, लेकिन आपका वो सीखने का अमल ज़िंदगी में कभी रुकेगा नहीं, हमेशा वो चलता रहेगा। आपकी शख्सियत आपको मौका देगी कि आप तहम्मुल से बैठ के अपने बारे में सोचें और अपनी उन आदात को तर्क करें जिसकी वजह से आप खुद काफ़ी अरसे से परेशान चलते हुए आ रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ चंद माह इस तरह के हैं कि जिसमें आपको थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इस वीक में नाउमीदी की कैफियत तो नज़र नहीं आ रही, ना ही आप अपने आप को शिकस्त खुर्दा तस्लीम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि आप पुरजोश भी हैं और यही वलवला और जोश जो है आपको मजबूर करेगा कि आप जल्दबाजी में कुछ ऐसे काम करें जिसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी बेहतर अंदाज में प्लानिंग कर लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आपको बहुत अरसे से सरदर्द की शिकायत है वो इस वीक में दूर होती हुई नज़र आ रही है, स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी है वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, या चेहरे के ऊपर कोई इन्फेक्शन है
कानों की कोई तकलीफ़ है, नाक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या सांस से रिलेटेड कोई मसला है, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपसे दूर जाती हुई नज़र आ रही हैं कि सेहत पहले की निस्बत मज़ीद बेहतर इंशाल्लाह ताला आपकी होगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जो अहम की पॉइंट्स होते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में। सबसे पहले आपकी शख्सियत, जिसके ऊपर मैंने खासा डिस्कस किया, और उसके बाद बात करते हैं आपकी मईशत की, पैसे की। तो पैसे के हवाले से एक फ़िक्रमंदी तो आपके जहन में रहेगी, लेकिन फाइनेंशियली तौर के ऊपर ये वीक आप लोग के लिए अच्छा है। अखराजात में चूँकि इजाफ़ा होगा, लेकिन फिर भी जहनी तौर के ऊपर आप थोड़ा सा मुतमइन रहेंगे कि कोई बात नहीं, आगे चल के हम थोड़ी सी और मेहनत कर लेंगे और पैसा और कमा लेंगे। पुराने दोस्तों के साथ, बचपन के दोस्तों के साथ मुलाकातें आपकी हो सकती हैं, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, बल्कि बहन भाइयों का तआवुन सपोर्ट जो है वो भी आप लोग के साथ रहेगी। जहाँ तक बात है फैमिली की, तो फैमिली बिल्कुल जनाब आपके साथ खड़ी है, शाना बशाना कदम से कदम मिला के आपके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन थोड़ा सा गुस्से पे अगर आप कंट्रोल रखें तो फिर ज़्यादा कंफर्टेबल अंदाज में आप अपनी फैमिली के साथ वक्त भी गुजार सकते हैं। ज़हनी तौर के ऊपर अगर मैं देखूँ तो माजी की कुछ बातें आपको परेशान कर सकती हैं। अब वो क्या बातें हैं या कौन से ऐसे अमाल हैं जो माजी में आपने किए हैं जो आपको फ़िक्रमंद कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा वक्त देना या टाइम का ज़्या करना ये आप लोग के लिए ठीक नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ सेल परचेज़ है, उसमें मोहतात रहे, बग़ैर लिखत पढ़त के कोई भी ऐसा काम, एग्रीमेंट, बिज़नेस शुरू नहीं करना। ना ही कोई चीज़ बेचनी है और ना ही कोई चीज़ लेनी है। ज़ुबानी कलामी किसी के साथ भी कोई डील करेंगे तो उसमें नुकसान का अंदेशा हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक इतना ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं देता, तालीम की तरफ इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं है, और उसके साथ साथ औलाद की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दिखाई देती है, बल्कि बच्चों की तरफ से सुख सुकून और राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। प्यार करने वाले लोग इस वीक में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि प्यार के जज्बात की रूह में बह कर कुछ ऐसे इकदाम आप लोग कर सकते हैं जो मुआशरे के लिए और आपकी फैमिली के लिए कुछ अच्छे नहीं होंगे, और उस वजह से ज़हनी उलझने पैदा होंगी, और मे भी ये वजह बन सकती है कि आप थोड़ा सा जज्बाती हों और गुस्से का इजहार जो है वो आप दुनिया के साथ करते हुए नज़र आएँ। सेहत आपकी पहले की नस्बत अच्छी है, बेहतर है। कुछ बीमारियों का जिक्र मैंने शुरू में किया था, उसके अलावा कोई भी ऐसी बीमारी जो है वो आपको तंग करती हुई दिखाई नहीं देती। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में इंतहाई अच्छा रहेगा, बल्कि एक दूसरे का साथ, तआवुन, सपोर्ट जो है वो भी दिखाई देती है। बिज़नेस पार्टनर्स के साथ आपका तआवुन भी अच्छा दिखाई देता है। वो लोग जो ऑफिस में नौकरियां करते हैं, आपको थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है कि छुट्टियों के अंदर कोई भी ऐसा काम आपने अधूरा नहीं छोड़ना जिसकी वजह से जब आप वापस आएँ और आपके लिए प्रॉब्लम हो, या अपनी ज़िम्मेदारियां दूसरों पे नहीं डालनी, दूसरों पे ज़िम्मेदारियां डालेंगे तो उस वजह से भी आपके कामों में रुकावटें, प्रॉब्लम या आपके लिए आगे चल के परेशानियाँ बन सकती हैं। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक अच्छा है, चाहे छोटा है या बड़ा बिज़नेस है, कोई भी काम करते हैं उसमें मुनाफा, फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ख़वातीन ख़ास तौर पर आपके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ, बल्कि ज़िम्मेदारियों का पहाड़ मैं देख रहा हूँ, और आप बखूबी और एहसन अंदाज में उसको निभाती हुई नज़र आ रही हैं, और आपकी फैमिली जो है, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपकी सहेलियाँ, ये सारी की सारी आपसे खुश दिखाई देती हैं, क्योंकि ये हफ़्ता दोस्तों के साथ भी अगर आप गुजारते हैं तो दोस्तों से प्यार भी मिलेगा, हमदर्दी भी मिलेगी, उनका तआवुन भी रहेगा, और अगर ज़िंदगी में किसी वजह से भी आप परेशान हैं तो एक अच्छी नसीहत और एडवाइस भी आपको उनसे मिल सकती है। वालिद और वालदा के साथ ताल्लुकात अच्छे दिखाई देते हैं, बल्कि वालिद साहब से अगर कोई सपोर्ट या प्रॉफिट या फ़ायदा आप हासिल करना चाहते हैं तो इस वीक में हासिल कर सकते हैं। आप अगर किसी भी वजह से कहीं पे भी कैदोबंद का शिकार हैं तो आपको कैदोबंद से रिहाई
या रिहाई से मुतल्लिक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अपने लाइफ पार्टनर की सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा क्योंकि उनकी सेहत जिस्मानी इस वीक में कुछ ज़्यादा अच्छी दिखाई नहीं देती। इस वीक में अगर आप कोई सदका अपना करना चाहते हैं तो सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका दे सकते हैं। सब्ज़ रंग में कोई भी वेजिटेबल्स आ जाती हैं या सब्ज़ दाल आ जाती है, वो सदका हस्बे तौफीक आप लोग कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला सितंबर में मैं मौजूद हूँगा कराची में। जो बहन भाई कराची में मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन की। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ये हफ़्ता आप लोग का कैसा रहेगा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस पूरी वीडियो में किसी भी एक जगह पे नासिर काज़मी साहब का एक शेर मैं पढ़ूंगा और जो भी सबसे पहला शख्स उसको तलाश करने में कामयाब हो गया, बल्कि एक नहीं दो लोगों को एक्यू टीवी की जानिब से एक एक नगीने का तोहफा दिया जाएगा। तो जनाब बात करते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन वाले अफराद इस वीक में थोड़ा सा मोहतात रहें क्योंकि इस वीक के अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल एक गुमसुम सी कैफियत में नज़र आते हैं और अपने आप को, चाहे आप घर में हैं कहीं बाहर हैं हज़ारों लोगों में मौजूद हैं, फिर भी आप अपने आप को एक अपनी ही दुनिया में मसरूफ़ रखेंगे कि दूसरों के साथ ज़्यादा घुल मिल कर इस वीक को गुजारने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि आपको दूसरों से स्पेस चाहिए होगी कि हम दूसरों से फासले पर रहें। और सबसे अहम बात यह है कि मुनाफिकीन और हासिदीन आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी पैदा कर सकते हैं, नज़रबद का शिकार भी हो सकते हैं, जादू टूने के असरात भी हावी दिखाई देते हैं कि जिससे परेशानी का पहलू बहुत ज़्यादा नुमाया दिखाई देता है। तो अपना रूहानी तदारुक कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के लिए। फिर बीमारी से रिलेटेड हॉस्पिटल्स के अखराजात, आम जिंदगी में बढ़ते हुए अखराजात, ये भी आपको ज़हनी तौर पे उलझनों का शिकार कर सकते हैं। आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों ही एतबार से जहन बहुत ज़्यादा मुंतशर दिखाई देता है और किसी भी सूरत आप इस तरफ नहीं आना चाहते कि हम अपनी बातें किसी के साथ शेयर करें या डिस्कस करें। किसी के ऊपर एतबार जो है वो आप करते हुए इस वीक में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनसे अगर आप अपनी दिल की बात शेयर करें तो हो सकता है कि जहन के ऊपर ये जो बोझ है वो कम और हल्का हो जाए और आप इस वीक को एक बेहतर अंदाज में गुजारने में कामयाब रहें। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों की ज़िंदगी में आसानियां पैदा करें, लेकिन मेरा आप लोगों को मशवरा है कि अगर आप अपने करीबी दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर्स से, अपनी शरीक हयात से, लाइफ पार्टनर से अपनी बातों को शेयर करें, डिस्कस करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। वैसे भी कैप्रिकॉन्स वाले बहुत ज़्यादा बातूनी भी होते हैं, कि अव्वल तो बोलते नहीं हैं लेकिन जब बोलना शुरू कर दें तो जनाब आप लोग को चुप कराना भी ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे अहम बात मैं करूँगा आप लोग के कुछ की पॉइंट्स लेकर, उसमें नंबर वन पे आप लोग की शख्सियत जिस पे अभी मैंने ज़िक्र किया कि अपनी ही दुनिया में मगन नज़र आते हैं, अपने आप को लोगों के अंदर ज़्यादा मसरूफ़ नहीं रखेंगे, तन्हाई का शिकार रहेंगे। जहाँ तक बात है मईशत की तो मईशत आपके कंट्रोल में दिखाई नहीं देती, अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, उसके लिए आपको अपने दायरे को महदूद करने की ज़रूरत है, नहीं करेंगे तो परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। दोस्तों के साथ उलझ सकते हैं, बहस व तकरार में लड़ाई झगड़े का भी अंदेशा है, नाराज़गी का अंदेशा है, अलहदगी का अंदेशा है, इख्तलाफात का अंदेशा है। तो तमाम पहलुओं को सामने रखते हुए अगर आपकी खामोशी भी दूसरों को तश्वीश में डाल सकती है कि आखिर आप इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हैं। रिश्तेदारों के साथ भी ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे दिखाई नहीं देते, रिश्तेदारों की कुछ ऐसी बातें आपको मायूसकुन कैफियत में या नाउमीदी की कैफियत में मुब्तला कर सकती है। जहाँ तक बात है फैमिली की सपोर्ट की तो फैमिली वाले आपको सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन आप उनकी सपोर्ट कबूल नहीं करना चाहते। यही पहलू अगर मैं देखूं या यही आप लोग का हाल जो है वो बहन भाइयों के साथ भी है कि बहन भाइयों के साथ भी तावन सपोर्ट उनका तो रहेगा लेकिन आप किसी भी सूरत उनकी
उनके जो तावुन है उसको कबूल नहीं करना चाहते। जहाँ तक बात है प्यार मोहब्बत की, तो ये वाहिद एक रिश्ता ऐसा है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, एटलीस्ट उनके साथ आप खुल के अपनी दिल की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो फिर तो आप बग़ैर खौफ व ख़तर के हर वो बात कर जाएंगे जिसकी वजह से आपका जहन आपको परेशान कर रहा है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं, हस्बैंड वाइफ के ताल्लुक़ को देखूं, तो हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक़ भी इस वीक में कुछ इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा कि आप अपने लाइफ पार्टनर से भी बात करते हुए कतराएंगे या कुछ चीज़ें जो हैं वो आप उनसे छुपा सकते हैं। अगर खामोश हैं तो बेहतर है कि आप उनके साथ अपनी चीज़ों को डिस्कस करें, पूरा पूरा टाइम दें। और एक और भी रिश्ता ऐसा है, वो है बच्चे। आप अपनी बातों को अपनी औलाद के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं कि औलाद की अगर आपको फ़िक्र है, लेकिन उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना आपको इस कैफियत से ज़रूर बाहर निकालेगा। उसके बाद बीमारियों की अगर बात की जाए, तो इस वीक में अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसी भी किस्म की कोई बीमारी एज सच नज़र तो नहीं आती, लेकिन मौसमी तब्दीलियों की वजह से मे भी हो सकता है कि किसी छोटी मोटी बीमारी में, नज़ला ज़ुकाम खांसी में आप मुब्तला हो सकते हैं, लेकिन वो जल्द आपसे दूर हो जाएगी। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। कामयाबियों की अगर बात करें, तो ज़हनी कैफियत जो भी हो, आपके कामों में कोई रुकावट प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, बल्कि आपकी सिक्स सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। जो भी कहेंगे बोलेंगे वैसा होता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो अपनी ज़ात के हवाले से हो या किसी दूसरे के हवाले से हो। एक चीज़ अच्छी है कि आप दूसरों को सिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, कि दूसरों में अपनी चीज़ों को तकसीम करते हुए, कुर्बानी देते हुए, बाँटते हुए नज़र आ रहे हैं। इज़्ज़त रिस्पेक्ट में इजाफ़ा होगा। ज़िम्मेदारियाँ आप पे जितनी भी डाली जाएँ, आप उनको ऐसन अंदाज में, ऐसन तरीके से ज़रूर इंशाल्लाह ताला निभा पाएंगे। दोस्तों के साथ मुलाकात करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। शुरू में जैसे मैंने बताया था कि लड़ाई झगड़े का या नाराज़गी का अंदेशा है, सोशल एक्टिविटीज़ में भी महदूद रहिएगा। बहुत ज़्यादा आम लोगों में घुलना मिलना आप लोग के लिए ठीक नहीं है। इस वीक में अगर आप कुछ सदका देना चाहते हैं तो काले रंग की चीज़ों का सदका दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे काला कपड़ा है, आप अजवा खजूरें लें, वो लेकर आप किसी भी मज़ार पे चले जाएँ, वहाँ पे जो मलंग होते हैं उनमें तकसीम कर दें। तो जनाब इंशाल्लाह ताला सितंबर में मैं कराची आऊँगा, और जो बहन भाई कराची में मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज दल्फ एक्वेरियस की। अब हम बात करते हैं बुर्ज दल्फ एक्वेरियस की। 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक यह हफ़्ता आप लोग का कैसा रहेगा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस पूरी वीडियो में किसी भी एक जगह पे नासिर काज़मी साहब का शेर मैं पढ़ूंगा, और जो भी सबसे पहले दो लोग उसको तलाश करने में कामयाब हो गए, एक्यू टीवी की जानिब से एक एक खूबसूरत सा नगीने का तोहफ़ा आपको दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज दल्फ की। तो जनाब बुर्ज दल्फ के लिए यह हफ़्ता बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि समाजी तौर पे कुछ नए लोगों के साथ मेल मुलाकातें, उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारना पसंद रहेगा, दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद रहेगा। अगर आपसे उम्र में बड़े हैं तो फिर आप और भी ज़्यादा उनकी महफिल को, उनकी नशस्त को इंजॉय करेंगे। इवन सिर्फ इनके साथ इंजॉय नहीं करेंगे, जो आपके बड़े बहन भाई हैं उनके साथ भी आपकी कोशिश होगी कि उनकी ज़िंदगी से हम कुछ सीखें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनका तावुन सपोर्ट हासिल करें, या उनकी तरफ से आपको तावुन सपोर्ट भी रहेगा। फिर इसके साथ मैं ये भी देखता हूँ कि कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हर इंसान किसी के साथ खुल के उसको ना शेयर कर सकता है, ना डिस्कस कर सकता है, और आप इस वीक में अपनी वो तमाम राज की बातें अपने एडवाइज़र्स के साथ, अपने मशीरों के साथ डिस्कस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनसे आपने पहले कभी अपनी दिल की बातें नहीं की थी। कुछ नए दोस्त भी आपकी ज़िंदगी में इस हफ़्ते में शामिल होंगे, और सिर्फ वक्ती तौर पे शामिल नहीं होंगे, उनका साथ काफ़ी तवील और लंबा नज़र आता है आपके साथ, और आपस में आपके जो भी अहदो पैमा होते हैं उसके ऊपर आप पूरा पूरा अमल करते हुए दिखाई देते हैं, कि उसमें मुखलिसी शामिल है, उसमें खलूस आप लोग का शामिल है, उसमें प्यार शामिल है, और आपकी ये कोशिश है कि हम अपने इस रिलेशन को किसी भी दूसरे तीसरे शख्स की वजह से ख़राब ना करें, उसको बेहतर अंदाज में गुजारें।
फिर अहम चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आपको घुटनों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो तकलीफ़ नुमाया दिखाई देती है कि शिद्दत इख्तियार कर सकती है, ख़ास तौर पे उठते बैठते सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, वॉक करते हुए, या कोई एहतियात करें वज़नी चीज़ जो है वो आप ना उठाएं, क्योंकि हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पैदा हो सकती है। और ख़ास तौर पे आपको जो घुटनों की तकलीफ़ है वो इतना ज़्यादा तंग करेगी कि इस पूरे वीक में आप परेशान हो जाएंगे। स्पेशली अपना कोलेस्ट्रॉल जो है और यूरिक एसिड अपना लाजमी चेक करवाएं, कहीं उसमें कोई गड़बड़ या प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर वो ज़्यादा है तो उसको बरवक्त कंट्रोल करके बेहतर किया जा सकता है। फिर इसके बाद हम अहम की पॉइंट्स आपकी ज़िंदगी के जो हैं उन पे थोड़ी सी नज़र डालते हैं। आपकी शख्सियत अगर देखूं तो दूसरों में नुमाया है, दूसरों से प्यार समेटते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि दूसरों को प्यार देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। दूसरे आपकी शख्सियत से खासे मुतासर हैं, आपकी सहरंगेज़ी जो है उससे भी मुतासर हैं और आपकी तारीफ़ें भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा आप लालची हो सकते हैं इस अंदाज़ में कि दूसरे हमारी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, और कुछ ऐसे काम भी आप कर जाएंगे कि जो जनाब ख़तरनाक हो सकते हैं, लेकिन ज़रा डेयरिंग किस्म की जो आपकी पर्सनालिटी है उससे थोड़ा सा एहतियात करें, अदरवाइज़ कुछ चोट लगने का भी अंदेशा है। मौशी तौर पर अगर देखें, फाइनेंशली तौर पर तो ये वीक कंट्रोल में रहेगा। फाइनेंशियली तौर पे चीज़ें खासी कंट्रोल में हैं, ज़्यादा अखराजात आपके नहीं होंगे। अगर हो भी जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिकवरी फौरी तौर पे हो जाएगी, और ज़हनी तौर पे भी मुतमईन और रिलैक्स दिखाई देते हैं। जहाँ तक बात है रिश्तेदारों की, तो रिश्तेदारों के साथ मिलना मिलाना इतना ज़्यादा तो नहीं रहेगा, अगर उनसे मुलाकातें भी करते हैं तो वो अच्छी मुलाकातें रहेंगी। फिर छोटे बहन भाइयों की अगर मैं बात करूं, तो छोटे बहन भाइयों से किसी भी वजह से या किसी भी बात पे थोड़ा सा इख्तलाफात हो सकते हैं, जहन में कुछ अजीबोगरीब ख्याल जन्म लेंगे जिसकी वजह से उनके साथ बहसों तकरार में आप उलझेंगे। तो जनाब अगर उनको कहीं पर आपकी ज़रूरत है आप उनकी रहनुमाई करें, लेकिन सख्त मिजाज में उनकी रहनुमाई नहीं करनी और ना ही उनकी डांट डपट करनी है। छोटे बिजनेस करने वाले अफराद थोड़ा सा एहतियात करें, नुकसान का अंदेशा है। जिन लोगों के बड़े बिजनेसेस या बड़े कारोबार हैं वो नॉर्मल अंदाज में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली की सपोर्ट आप लोग के साथ रहेगी, बल्कि फैमिली की तरफ से थोड़ा सा फ्रीडम आपको ये होगा कि आप घर से निकलकर बाहर अपने दोस्तों को अगर वक्त देना चाहते हैं तो उसकी बआसानी आपको परमिशन मिल सकती है। औलाद की तरफ से देखें तो थोड़ी सी फिक्र हो सकती है, आपकी औलाद जो है वो बीमारी में मुब्तला हो सकती, तो उनकी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। उनकी बीमारी की वजह से भी ज़हनी तौर पे आप उलझन का शिकार रहेंगे। जहाँ तक बात है प्यार मोहब्बत की, तो प्यार मोहब्बत में गिरफ़्तार लोग थोड़ा सा एहतियात करें, बदनामी का अंदेशा है। हेल्थ वाइज जो बीमारियां मैंने शुरू में बताई कि घुटनों की दर्द के अलावा किसी भी किस्म की बीमारी ज़्यादा आपके ऊपर हावी इस वीक में दिखाई नहीं देती। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन इस वीक में अच्छा है, आप दोनों के दरमियान दूरियां इख्तलाफात ख़त्म हो सकती हैं और फिर से आप एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। वो लोग जो नौकरी पेशा हैं आपको अपने कामों को बेहतर अंदाज में करने की ज़रूरत है। दूसरों पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ डालना या अपने काम से गफलत बरतना आपको अपनी नौकरियों से बर्खास्त भी कर सकता है, गैर फाल भी हो सकते हैं। और जनाब कामयाबियों को अगर देखूं तो कामयाबियां आपके कंट्रोल में है, जिस तरह से भी आप इस वीक को गुजारना चाहेंगे उसी तरह से आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये वीक चलता चला जाएगा। ख्वाब बहुत ज़्यादा आएंगे, नींद पहले की नस्बत ज़्यादा आ सकती है, और हकीकत पे मबनी ख्वाब भी आप लोग को आ सकते हैं कि दूसरों को आप कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं जिसको सुनकर वो हैरान होंगे कि आखिर आपको हमारे बारे में किस तरह पता चला। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप लोग की छठी हिस्स इस वीक में आपका साथ देगी और आप दूसरों के बारे में बखूबी उनको आगाह कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे आगे चल के अपनी ज़िंदगी को गुजारना है, और अपनी भी सीखने की काबिलियत को अगर बेहतर करना चाहते हैं तो वो इस वीक में बिल्कुल हो सकती है। जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए ये वीक कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आगे चल के मैं देख रहा हूँ कि चीज़ें बेहतर होंगी। आला तालीम वाले भी
और जो स्कूल लेवल के ऊपर भी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो आपके लिए किसी भी अंदाज़ से ये वीक कुछ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं उसमें बेहतरी है, इमिग्रेशन के हवाले से मामला बेहतर रहेंगे, बैरून मुल्क में मुकीम लोगों के लिए आसानियाँ दिखाई देती हैं, ज़िम्मेदारियाँ आप पे जितनी भी हैं उनको एहसन अंदाज में ज़रूर इस वीक में आप अंजाम देंगे। इस वीक में अगर आप कोई अपना सदका देना चाहते हैं तो सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका, जैसे बड़ा गोश्त है, आप अपना सदका बिल्कुल जनाब दे सकते हैं। इंशाल्लाह ताला सितंबर में अगले माह मौजूद हूँगा मैं कराची में, कोई बहन भाई वहाँ पे अगर मुलाकात करना चाहें तो स्क्रीन के ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए बात करते हैं बुर्ज हूद पाइसिस की। जी नाज़रीन, अब वो वक्त आ गया है जहाँ पे नासिर काज़मी साहब का शेर मैं पढ़ूंगा और नासिर काज़मी साहब कुछ यूं फरमाते हैं, आओ चुप की ज़ुबान में नासिर इतनी बातें करें कि थक जाएं। देखते हैं कि कौन थकता है इस शेर को ढूंढते ढूंढते। आइए बात करते हैं बुर्ज हूद पाइसिस की। 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ये हफ़्ता आप लोग का कैसा रहेगा, उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में किसी भी एक जगह पर नासिर काज़मी साहब का शेर मैं पढ़ूंगा और जो भी सबसे पहला शख्स, बल्कि पहले दो शख्स उसको तलाश करने में कामयाब हो गए, एक्यू टीवी की जानिब से जनाब दो खूबसूरत से नगीनों के तोहफे आप दोनों में तकसीम किए जाएंगे। तो जनाब, ज़िम्मेदारियों का हफ़्ता पाइसिस वालों के लिए, और ज़िंदगी में हमेशा ये होता है कि इंसान ने जब भी कोई काम करना हो उसके लिए वो पहले सोचता है, सोचने के बाद किसी नतीजे पर पहुँचता है। तो इस हफ़्ते को इसीलिए भी अहमियत है कि आप किसी एक फ़ैसले के ऊपर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं, उन चीज़ों को लेकर जो बहुत अरसे से आपके जहन में आपके माइंड में चल रही थी और ये समझ नहीं आ रही थी कि अब हम आगे चल के क्या करें। वो आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड भी है, वो आप अपनी मईशत से रिलेटेड भी देख सकते हैं, रिश्तेदारों के हवाले से भी देख सकते हैं, फैमिली के अंदर कोई डिसीजन लेना है, औलाद के लिए कोई बेहतर फ़ैसला करना है, अपनी तालीम को लेकर किसी नतीजे पर जाना है कि कौन सी फील्ड को हम सेलेक्ट करें, कहाँ पर जाएँ, नौकरी के हवाले से कि किस फील्ड में अप्लाई किया जाए। फिर उसके बाद आप बीमार हैं, आपने ऑपरेशन करवाना है और आप ये सोच रहे हैं कि आखिर हमें ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। फिर शादी करना चाहते हैं, अभी तक फ़ैसला नहीं किया। फिर उसके साथ साथ किसी को प्रपोज़ करना है, उस हवाले से कामयाबियों के हवाले से, ख्वाहिशात के हवाले से। तो हर एतबार से इस वीक में अगर आप चाहें तो सितारे मुझे ये बताते हैं कि आप किसी एक फ़ैसले पे और किसी एक डिसीजन पे आ सकते हैं। कन्फ्यूजन इस वीक में बिल्कुल भी आपको तंग और परेशान नहीं करेगी और ना ही आप लोग डबल माइंडेड नज़र आ रहे हैं, बल्कि आपकी इज़्ज़त में, रिस्पेक्ट में इजाफ़ा दिखाई देता है। ज़िम्मेदारियाँ कुछ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि उनको निभाते निभाते आपके जहन में जो डबल माइंडेड या कन्फ्यूजन की जो स्टेट थी वो वैसे ही निकल जाएगी कि आपको अपनी ज़ात के बारे में सोचने का मे भी शायद इतना वक्त ना मिले, क्योंकि ये हफ़्ता आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखते हुए नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो अपनी बीमारियों को भूल जाएंगी और हो सकता है कि अपना खाना पीना भी भूल जाए कि हमने किस वक्त खाना खाना था, रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हो सकती है। तो नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना, जिस टाइम पे सोने का टाइम है अपनी नींद पूरी करें और दिन जो है उसको आप जाग के काम करें, और रातों में जाग के काम करना आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। ये एक पहलू है इस पूरे वीक में, अगर आपकी हेल्थ ख़राब होती है तो अगर आप नेचर के अगेंस्ट जाएँगे, रातों को जागेंगे, तो आपकी सेहत ख़राब होने का अंदेशा है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुछ मेन की पॉइंट्स के ऊपर जो इस वीक में आप लोग के साथ रहेंगी। आपकी शख्सियत इस वीक में अच्छी है, नुमाया है, दूसरों में घुल मिल कर रहेंगे, गुफ्तगू बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से बोलते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने आइडियाज़ भी दूसरों के साथ शेयर करेंगे। दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ घूमने फिरने का, सैर व तफरी का प्रोग्राम बन सकता है, विद इन कंट्री और आउट ऑफ कंट्री भी मैं देख रहा हूं कि आपका प्रोग्राम बन सकता है सैर और तफरी करने का। फिर इसके बाद मईशत के मामलात को देखें तो मईशत आपके कंट्रोल में है,
पैसा खर्च होगा लेकिन जहन आपका मुतमिन रहेगा और अखराजात आप उतने करेंगे जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा या अपने बजट को ख़राब करते हुए इस वीक में नज़र नहीं आते। दोस्तों के साथ मुलाकातें रहेंगी लेकिन वो दोस्त जो बचपन के दोस्त हैं, नए दोस्तों को ज़्यादा वक्त नहीं देंगे और ना ही कुछ ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई ना कोई अगर आपको मुफाद है तो फिर आप उसमें हिस्सा लेंगे, अदरवाइज़ वक्त का ज़िया इस वीक में आप लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात पहले के नस्बत बेहतर दिखाई देते हैं, अगर कोई नाराज़गी थी वो भी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात भी पहले की नस्बत अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन कज़न्स के साथ थोड़ा सा इख्तलाफात का अंदेशा है कि जहन में कुछ अजीबोगरीब ख्यालात या नेगेटिविटी की वजह से आप और आपके कज़न्स आपस में कुछ बातों पे उलझ सकते हैं। फैमिली की सपोर्ट और तावन आपके साथ भरपूर रहेगा, जहाँ भी आपको उनकी ज़रूरत होगी वो आपके साथ मौजूद होंगे, आपके साथ शाना बशाना जो है वो रहेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर कहीं पे भी आपके घर के अंदर कोई उलझन है, परेशानी है, तो आपकी ज़ात वाहिद है कि जो अपने घर में से उस परेशानी को दूर कर सकती है, उसको ख़त्म कर सकती है। और फैमिली के साथ इस वीक को खुशियों के साथ आप लोग गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं, ज़हनी तौर के ऊपर पुरसकून दिखाई दे रहे हैं और अगर जहन में कोई उलझन थी वो भी इंशाल्लाह ताला इस वीक में दूर होती हुई नज़र आ रही है। औलाद की तरफ से फिक्र परेशानी रहेगी और इस अंदाज़ में रहेगी कि उनका मुस्तकबिल किस तरह से बेहतर किया जाए, बल्कि औलाद की तरफ से कुछ फरमाइशें हो सकती हैं या आपके बच्चे आपसे कुछ ऐसे सवालात करेंगे कि आप शायद लाजवाब हो जाएं और आपके पास उनके सवालात का जवाब ना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा अपने सराउंडिंग्स में या अपने आप को देखिएगा कि कहाँ पे कोई ऐसी गलती या कोताही हो रही है कि आपके बच्चे आपसे आजकल के दौर में इस किस्म के सवाल कर रहे हैं जिसको आज से 10 साल करने से पहले हम लोग 100 दफ़ा सोचते थे कि हमें अपने वालदैन से इस किस्म के सवाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इश्क मोहब्बत के मामलात अच्छे रहेंगे, कामयाबी दिखाई देती है। सेहत जो है वो मैंने जैसे बताया कि नींद की वजह से आपको जिस्मानी बीमारियां हो सकती हैं, पूरे जिस्म में दर्द तकलीफ़, ख़ासतौर पे शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा तंग करेगी और उसके साथ साथ नज़रें बद भी आपको परेशान कर सकती है, तो अपनी नज़र ज़रूर उतारा करें। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में अच्छा रहेगा, एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारेंगे और मसरूफियात होने के बावजूद भी आपकी कोशिश होगी कि हम अपने लाइफ पार्टनर को कंफर्ट जोन दें और जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं उसको पूरा किया जाए। कामयाबियाँ मिलती रहेंगी, कामयाबियों की तरफ से कोई रुकावट या हर्डल जो है वो दिखाई नहीं देती। ज़िम्मेदारियों में, इज़्ज़त में, रिस्पेक्ट में इजाफा दिखाई देता है और फैमिली की तरफ से, दोस्तों की तरफ से और समाजी तौर के ऊपर भी आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है, बल्कि आलमी लेवल के ऊपर भी अगर आपकी कुछ खदमात हैं तो उस पर भी आपको अप्रिशिएट किया जा सकता है। इस वीक में अगर आप लोग अपना कोई सदका देना चाहते हैं तो काले रंग की चीज़ों का सदका आप लोग दे सकते हैं, कोई भी काले रंग की चीज़ आप जैसे अजवा खजूरें हैं, काले माश हैं, काले तिल हैं, फिर कौवे हैं, कौवा काला होता है, बड़े शौक़ से अंडे जलेबियाँ खाता है, आप उनको अंडे और जलेबियाँ भी डाल सकते हैं। इंशाल्लाह ताला सितंबर में एक्सपेक्टेड है कि मैं कराची आऊं और जो बहन भाई कराची में मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आप देख रहे हैं उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो नाजरीन ये हमने डिस्कस किया 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक आप लोग का वीक कैसा रहेगा। जाते जाते मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को ईद की दिली ईद मुबारक। इंशाल्लाह ताला फिर किसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।